और मेरे मुर्शिद जनाब से ये खिदमत का हमदानी में दर्जा दावन करें और हम खान खर साहब से हम दर्जा को एक संघर्ष आते हैं और जाकिरीन का जोड़ी चाह कोई जाकिर दावा नहीं मैं नौकर जाकर दुआ करना कि मौला इस मजलिस को जन्नत बना दे और वो जाए बसन जिथे पाका का जिक्र वो वेड़े बसन दुआ करता प्या निकाह पहला कदर है अब हशर तक का सफर है जिसकी हर इच्छा दुरूद और सलाम हो वो शजरे अली का नाम है अली बारे में अगर सलवार पढ़ो उस्ताद कंबर का बहुत पुराना कसीदा लिखा है और मेरा ये फेवरेट कसीदा है नजर कर लगा ते नारायण तकबीर नारायण इशारत नारायण मेरे जिस्म में जान जब तक रहेगी मैं करता रहूंगा सना पंचतन की नारे मेरे जिस्म में जान जब तक रहेगी मैं करता रहूंगा सना पंचतन की मैं और मेरी हकीकत ही क्या खुदा की रला है रला पंचतन की नारे हैदरी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नमा युरीद अल्लाह ने जुबान पूरी अहल अल बैत की पहरा पर तहीरा तेरा शेर में पढ़ रहे हैं तफसीर कर रहे हैं करता रहूंगा सना
पंजतन की। वाह मिर्ज़ा साहब जियो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाकिफ हूँ हम मिन्ना मसूलों। रोक रो इनसे सवाल करो, ए बिस्तरे बंद। बड़िया नेकियां दे दफ्तर, नमाजा पूरियां, रोजे पूरे। वाह। रोक ले जानगे, हाँ भाई नेकियां दे दफ्तर बखाओ, कोई बख्शर की मोर है कोई ना खाली। बला वो बताओ इबादत कहाँ है, इबादत की यो रूए रवा है। आहा वाह वाह। बला वो बताओ इबादत कहाँ है, इबादत की जो रूए लवाए। ये बेसुध रोजे निमाजे तो लाए, कहाँ छोड़े आए विला पंजतन की। मिल के नारा हैदरी। यार यार आज पहले दियो जय घर तू कदम न बाहर रखियाओ, वो मखदूम कुल नबिया सदके। बगैर तंद असा कोई नहीं मननी दरबार दे विच वो, ते बामे कच्चा मुचावे पुत्रा दी जियो यो दिया विरसाओ। ए माओ ज़ैनब को हो जावे दर ताई उठदी बाली। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। ये थे ज़वार मोहम्मद यूसुफ करबलाई साहब, जो कि ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमा रहे थे। अब आपके सामने अकासे गम मुरक्कब दर्द, बुजुर्ग दादाओं की याद, ज़ाकिर अल बैत जनाब गुलाम अब्बास डकू साहब, आप पिंडी भटियाँ फजल साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। और इनके बाद ज़ीनत मिंबर मजालिस अकासे गम मुफस्सर मुसाहिब आले मोहम्मद सैयद ज़ाकिरीन, ज़ाकिरी दुनिया का बहुत प्यारा नाम, ज़ाकिर अल बैत सैयद मोहसिन रज़ा बुखारी साहब, आप कौड़े करम शाह फजल साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। मेंबर सुल्तान करबला बयान का शर्फ हासिल करेंगे ज़ाकिर अल बैत जनाब गुलाम अब्बास डकू साहब। हबीबे खुदा अलैहिस्सलाम, दुआ बराए हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल वलीयकल हुज्जत बिनल हसन अलैहिस्सलाम, सलवातुका अलैहि वाला आबाएही फी हाज़ी सातिन व फी कुल सात मिन सात लैल व नहार वलियन व हाफिज़न व कायदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहू अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहू फीहा तवीला। या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद, या कशफल करबेन वजहल हुसैन, इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीन बेहक्के अकीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। या अबुल फजल अब्बास, सक्काए सकीना मुहाफजे परदाए ज़ैनब, बाबुल हवाए अदरिकनी इब्तदाए मजलसे तुसी थोड़े नहीं काफी तशरीफ फरमाओ। सलवात पढ़ना बहुत बड़ी अजीम इबादत है,
ये वो इबादत है जिस विच सिर्फ तुसी नहीं मलाइक शामिल है। ते सलवात इंज पढ़ो जिवें मदीने वाले सैयद लाइक के सलवात है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआए जितने आबाब तशरीफ फरमाओ मालिक दी बारगाह के मालिक इस नाजक दौरे हर मोमिन की इज्जत महफूज रखे। जेड़े मोमिन बीमार हैं दुआए बीमार करबला दी बीमारी का सदका मौला बीमार मोमिन शफाए कुली अता फरमाए। जड़िया झोलियां सिकदियां औलाद वास्ते मालक दी बारगाह सैयदा दा दुआ पे मंगना कि मेरा मालिक तेन वास्ता है मेरी पाक सैन दी खाली झोली दा जेड़ी जिंदा ने शाम खाली बिस्तर ते हाथ मार के आखिया असगर मेरा लाल किस्मत आलियां मावन जड़िया पुत्रा नू रज खिड़े दिया। मेरा लाल मैं तो तेन रज के खिड़ाए ही नहीं अजे तो तेरे बोली बोलन दे मौसम आ तो मौलाइया ओ दुआए कि मालिक बानिए मजलस दी ये सोफे मातम विछाई पढ़न आले साहिबान दी पढ़ाई तुसा जितने नेड़े दूर तो डोर आयो दुआ मंगदा मेरा मालिक मेरी ओ सैन दी बारगाए इबादत ते शुमार होवे जेड़ी अठारह बेरावां दी बहण आई ते करबला तू लै के शाम दे औखियां सफरां च सिर्फ इक गल पुछली गई है सज्जाद मैन मेरे फिरा ते कातिल तू पुछ दे जो मैं फिरा ते ना चा के वैन कर लई। सैयदादा खसूसी इस हाजर दौर च दुआ है जेड़ी के दुआ मंगदा के मालिक मेरे बारहवें आका इमाम जमाना दा जल्द ज़हूर फरमावे सादा दे वेड़े वस होवे जहरा दा वेड़ा आबाद होवे मेरा मौला आके अपने उजड़े घर का हिसाब लवे उन्ना बेगैरता तू आ पूछे जिन्हा जहरा दा वसदा घर हो जाने। टाइम ही गुजे रात वक्ते थोड़ी देवार सैयदादा तशरीफ फरमाए रोवण रोवण कोई पढ़न आले की कमाल नहीं ते शाम दी मुसाफरा दी करम निवाजी होवे तां जांदी है। सैयदादा मैं अज एक ओ वाकया शुरू पे करना कि जिस मेरे मौला दा नाम अली है लकब मेरे मौला दे ज़ैनुल आबदीन सैयद ओ साजदीन मोहारी हुसैन दा रत रोवण वाला पुत्र सैयदादा है मेरा मौला बाबे नूं बोलना है। दुनिया रोंदी है तो पानी रोंदी है मगर ये मेरा वो मौला है जेड़ा बाबे नूं पानी नहीं चालीस साल रत रोंदा है। तो जैसे मेरा मौला शाम दे अमन गुजार के वल्ले न वापस मदीने सैयदादा तो मेरा मौला इस इंतजार च बैठे आए कोई बाबे दा मुकान ही आंदा होवे ते मैं ना आके बाबे दी मुकान देंदा होवे। आओ जी बिस्मिल्लाह सैयदादा दुआ फरमाए से वार से पूरी दे मेरा मौला इस इंतजार च आन कोई बाबे दा मुकान ही आंदा होवे ते मैं ना आके मुकान देंदा होवे। जैसे कोई नहीं आया तो मेरा पंजवा मौला कोल आ बैठे ते बाबे नू मुट्ठी बैठे भरेंदे आए ते हौले हौले बैठे आते आए बाबा हुण तरोवण घट कर बाबा बहु रोंदे हो इंज तरने जिंदगी मुक वैसी मेरे मौला फरमाने मेरा लाल तू ही तो मेरे नाल आए न मंजर अखी अगू हटदा है न रोवण रुकदा है। मेरा लाल मंजर अखी अगू हटे तो रोवण रुके मंजर हटदा नहीं रोवण रुकदा नहीं। बाबा मैं एक तजवीज सोची है जो थोड़ा रोवण घट वे सी जड़े आजादार पूसा देवन आयो उन्ना नाल गल हाँ मेरा पुत केड़ी गल कर
बाबा जिसने सुबह का टाइम हो दरिया लगे गए दरिया की आबो हवा है कुछ निजाम घट वे सी रोमन घट वे मेरे मौला की छड़ी आ निकली है रो के फरमाए मेरा लाल मैं तो उस दिन का दरिया वहां ते मंजना छोड़ दिता है जिस दिन दरिया वांदा रे है तो मेरा बाबा मेरे फेरा वास्ते एक घुट पानी मंगता मर्जी है थोड़ी तुसा जिस रंग नाल सुनो मैं तो अपने इश्क की नमाज है जी नीयत नाल अच्छा बाबा जे नहीं तो हो सकता तो वजे से ली के रोवे ना बाजार लगे गए करो लोगों दिया खुशियां वेख सो कुछ रोमन घट वे सी बाकर दे बाबे दी रत वधी है ते फरमाए मेरा लाल मैंने तो इको बाजार नहीं भूल मेरा लाल मैनो मंजर भूल सकता है जिदन फूफियां ना लान बहना ना लान ते मकाना दिया छत्तां ते औरतां सवार जिन्हां दे जर्क बर्क दे लिबास अण जिहड़ियां पत्थर मार के आ दियां अण जिहड़ी नहीं टुर सकदी है बावी दी वड्डी भाए मुकावा मौलाइया और ज्यादा नहीं तूल ना हो जाए दो वैन पढ़ा अपने मिंबर वाजिब ले तराम दे वाले करा सादात इन दुआ कर सन हां जो आसी जिस ते रुली हुई दी मोहर लगी हुई मेरे मौला दे दो सहाबी हैं एक दा नाम है अबू मोहम्मद एक दा नाम है अबू सालह मेरे पंजवें इमाम फरमाया तुसा बाबे कोलो कोई मसला पुछया करो तुसा मसला पूछना है बाबे जवाब देना है लाजा तला रुकवे या अबू मोहम्मद एक दिन मेरे मौला दे कोला खड़े बड़ी जल्दी की ते कदमा ते हाथ ला के ते मौला कदा दा इंतजार चा मैं पूछना चाहना अज इजाजत होवे ते मैं एक गल पूछा पर मैंने हाँ तुसा साडे प्यारे साथी हो जो कुछ पूछना है चंगा ही पूछना है ते पूछ के पूछना है उस वेले आदे मौला ए फरमाओ दनु सब तू ज्यादा तकलीफ किथे आई हाय 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 मेरे मौला दी ठडिया निकली फरमाने अबू मोहम्मद श्याम सैयदादा नौ गया श्याम नरुलना अली दिया दिया आदे मौला तुहाडा बाबा तक करबला मारिया ਦੁਆਡੇ ਫੇਰਾ ਕਰਬਲਾ ਮਾਰੇ ਦੁਆਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਰੋਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੂੰ ਫਰਮਾਨੇ ਨਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੀਨੇ ਸਰ ਜਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਫਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਮੇਰਾ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੜਾ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲੂ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਣ ਪੜ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਚੜੇ ਨਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਬੈਠੀ ਆਈ ਪਿਓ ਦੀ ਝੋਲੀ ਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਪਿਓ ਦਰਵੇਖਿਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਮਰਾਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵੇਦੀਆ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮੀ ਲੜ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਦੇਸੇ ਗੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਾਓ ਕਿਤਨੀ ਤਫਸੀਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੇ ਕਰੇ ਨਾ ਉਸੇ ਲੀਰ ਪਈ ਇਸ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਖੜੀ ਆਈ ਵੇਖਿਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਬਾਬਾ ਉਸਦੀ ਭੋਲੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਾਬਾ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਪਿਆਵਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਸਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਵਾਜ ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੜੀਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਜਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਜਲੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਈ ਉੱਥੇ ਆ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਤੂਲ ਖੜੀ ਆਈ ਸਦਕੇ ਇਸ ਆ ਕੇ ਦਾਮਣ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਆਈ ਮਰ ਕਈ ਨੇ ਵਜਣਾ ਮੇਰੀ ਸਾਈਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝੀ ਵੇਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸ
दस दिए मैं तेरा मुंह वे दिया मैं वे खड़ी नू दे दी केड़े रही स्थिति है और चले राव किया दिए मैं उस रही स्थिति है आज ने कपड़े जन्नत चुआ दे आन मैं उस रही स्थिति है जन्दा मारा मोहम्मद बने आ मैं उस रही स्थिति है जन्दे पिंगे दिया डोरिया जिब्रील हिले नरिया वाह वाह माशाल्लाह जियो जियो अब आपके सामने अकासे गम रखे दर्द सैयदुल आखरीन मुफस्सरे मुसाहिब आले मोहम्मद पीर सैयद मोहसिन रज़ा बुखारी साहब आफ़कारे करम शाह फ़ज़ल मुसाहिब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इनके बाद फ़ख्र ज़ाकरीन ज़ाकिर अहले बैत पीर सैयद हैदर अब्बास शिराज़ी साहब उनके बाद ज़ाकिर अहले बैत आगा अब्बास भट्टी साहब उनके बाद मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है पीर सैयद मोहम्मद सादिक शिराज़ी साहब आफ़ मांगोवाल ज़ाकिर अहले बैत अली नवाब साजिद साहब तशरीफ़ फरमा है ज़ाकिर अहले बैत ज़वार मुजाहिद अब्बास भुट्टा साहब ज़ाकिर अहले बैत जनाब रज़ा अब्बास जाफरी इंशाअल्लाह अपने अपने वक्त पे खिताब फरमाएंगे। मेंबर सुल्तान कर्बला पे आने का शर्फ हासिल करेंगे सैयद मोहसिन रज़ा बुखारी साहब ऑफ गौरे करम शाह। सारे बोलो बोलो नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली अलैहि सलाम हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद बर मोहम्मद अलैहि बलंतर सलावात अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا علي انت بمنزله الكعبه صلوات ایک واری کھلے چہرے نال پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر میں بزرگان ملت معزز سامعین کے سامنے نبیوں دے سلطان دا ایک فرمان تلاوت کیتا ہے कायनात दे सब तो वड्डे रसूल दा फरमान है बल्कि इंज आख देना वजह तखलीक कायनात दा फरमान है ए अली सिर्फ तू है जड़ा काबे दी मंजिल ते तुहाड़िया जिंदगी दराज होन तुहाड़िया नस्लां आबाद होन या अली सिर्फ तू है जड़ा काबे दी मंजिल ते काबे दा मैने आला काबे दा मैने अरफा काबे दा मैने अजमत वाला काबे दा एक मैने अपनी जात और हरकत न करन आला जिवें दुनिया दे मुसलमान ते वाजिब है काबे कोल जाके काबे दा तवाफ करन इवें अल्लाह दी कायनात विच फजीलतां ते वाजिब है अली को आके अली दा तवाफ बिरामा दा इमाम शाफी याद है दुश्मना बोगस तो मुहिबा डर तो दुआ घरां अली अलैहि सलाम दे फजाइल छुपाए शाफी आदाए दुआ दे छुपावन दे बावजूद हो ही नहीं संगदा किदाइयों कोई गल फजीलत दी होवे ते अली बादशाह दा ना ना आवे नबियां दे सुल्तान दा फरमान अ नजर वाला काबत इबादा तर्जमा काबे दी ज़ियारत इबादत है दूजा फरमान बादशाह दा नजर वाला मुसफ इबादा कुरान दी ज़ियारत इबादत है तरीजा फरमान बादशाह दा नजर वाला बाज हे अली जन इबादा काबे दी ज़ियारत इबादत कुरान दी ज़ियारत इबादत
मेरे मुश्किल कुशा मौला दे चेहरे दी ज़ियारत इबादत, काफे दी ज़ियारत इबादत ते ज़ियारत करन आए दी शक्ल पाक, काफे दी ज़ियारत इबादत ज़ियारत करन आए दी शक्ल पाक, कुरान दी ज़ियारत इबादत ज़ियारत करन आए दा अकल पाक, अली दी ज़ियारत इबादत ज़ियारत करन आए दी नस्ल पाक, हाय दारी बंदा एक आया है मेरे मौला मुत्तकियान दे सामने, या अली खल्के अव्वल कौन है? मेरे मौला फरमाया तेरे नजदीक खल्के अव्वल कौन है? आदा मेरे नजदीक खल्के अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम। गुनाह इस दे कोई नहीं जितना वो जानता उस बयान कीता है, उस अर्ज कीता है। यदि जबान तो लफ्ज़ आदम ने कहा है, तबस्सम मेरे मौला दे चेहरे का तवाफ कीता है, कायनात दे अमीर की जबान तो लफ्ज़ इंज ने कहे जिमें पहाड़ तो पानी लांदा है। मेरे मौला फरमाया है, ओ बंदा खुदा सोने, इन अल्लाह खालक आदम मिन तीन, व तीन मिन अल जब्द, व जब्द मिन अल मौज, व मौज मिन अल बहर, व बहर मिन अल जुल्मत, व जुल्मत मिन अल नूर, व नूर मिन अल हर्फ, व हर्फ मिन अल आयत, व आयत मिन अल सूरत, व सूरत मिन अल याकूत, व याकूत मिन अल शय, व शय मिन अल ला शय, व ला शय मिन मशी बत। अपना पाक हाथ अपने पाक सीने ते रख के अब्बास ने बाबे फरमाया है, नहनो मशीयतुल्लाह। ओ दुनिया आओ सुन लो, अल्लाह दे इस जहान च मोहम्मद तो लेके मादी ताई असि चौदह के आए जड़े अल्लाह दी मशीयत। असा चौदह ही ते हैं जड़े अल्लाह की मशीयत है। अबुल फजाइल दे फजाइल पढ़िया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जा केड़ी आई मस्जिद नबवी, मिंबर ते खड़ के ना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपनी जबान तो बयान कीता, ये ओ जबान है जे एक खजूर दी गुठली चूसी है सरकार दे लो आपे दहन आई ते मुफस्सर कुरान बन गया है। मस्जिद नबवी दे मिंबर ते खड़ के अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पे आदन बाज ने दुनिया दी सारियां औरतां, सुनने वाले लोग परेशान हो गए, आम बंदा नहीं इब्ने अम्मे रसूल है, मुफस्सर कुरान है, आम जा नहीं मस्जिद नबवी है, रात दा वेला नहीं चिट्टा डींगे, ए प्यादा बाज ने दुनिया दी सारियां औरतां, हालांकि शरीफ जादियां दे घर ते बच्चे पैदा होंदे पए, इब्ने अम्मे रसूल के में फरमाया है बाज ने दुनिया दी सारियां औरतां, ओ लोगां दी परेशानी दिठी ते जनाब अब्दुल्ला फरमाया मैं जान के अद्धी गल कीती आई, मैं जान के अद्धी गल कीती आई, मेरी सारी गल ध्यान नाल सुनो, मैं प्यादा बाज ने दुनिया दी सारियां औरतां, इस गल ते कोई अली जै लाल दी मां बने हाथ जोड़ के आदा असी जानते हैं अली अमीर उल मोमिनीन तुहाडे उस्ताद हैं, उस्तादां दी तारीफ शागिर्द करते रहते हैं, जिवें असी करिए तारीफ बाबे सादिक शाहरां दी, जेड़े शागिर्द हैं उन्हें तारीफ करनी उन्हां दी मजबूरी, उस बंदे इयो गल कीती, उस आखिया उस्तादां दी तारीफ शागिर्द करदे रहंदे न, अब्दुल्ला एक गल तुहाडा सा ये गल कीती क्यों है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तफसीर दसी, अब्दुल्ला आदा है मैदान सफीन च मैं बैठा है, आओ अखीर ले बंदे ताई मैदान सफीन च मैं बिठे एक खेमे च 300 बंदा किसी भी फौज का नस के आया, जहन सलाम है 300 बंदा नस के आया है, हर बंदे की जबान ते आ मैं ना नसा अली मैं को कतल कर दे रहा, एक बंदे इो गल की, दूजे बंदे इो गल की, त्रीजे बंदे इो गल, जन्ने 300 इको गल की है ना, उस वे जरा खेमे बेचा वो जिदा खेमा
जरूरी तो नहीं बंदा ना चाहे उस आख्या मैं दसो इको बारी नसे हो के बारो बारी जितना मैं टेल लाया इस नो ज्यादा ओदा लगे अज अस त्रै सौ आके नस के इको इतलाह देवे तो दुहन की छाके बहुदा दिमाग उस जात रह गया उसी पता नहीं बीपी कि गया तो की दी हो गया दसो इको बारी नसे हो के बारो बारी उन्हें आख्या गल सुन इस गल का की मतलब है इको बारी नसे हैं कि बारो बारी साड़ी होश टिकाने हो गया असी नस गया साथ नसी गए असी नसे नहीं मजबूरी बनी उस आख्या फिर भी मेरी बात का जवाब दो इको बारी नसे हो के बारो बारी उन्हें आख्या इस गल का की मतलब है इको बारी नसे हैं कि बारो बारी उस आख्या जे तो नसे हो ना बारो बारी तो मेरी समझ चाहता है इको अली है जिस दिन सारे जे बारो बारी नसे हो तो इको अली है जिस दिन सारे नसाया है तो जे इको बारी नसे हो मैं दसो मैदान च अली एक एक त्रै सौ नस आए हो बुझ दिलाओ बहाने कर दो बंदा एक अगे वध्या तो उस आख्या नस के आया इस गल च कोई शक नहीं सन बुझ दिल ना आ उस आख्या बा कमाल आई गल है ब नस के आए हो मुड़ा दो सन बुझ दिल ना आ बुझ दिल होर किवें आते उस आख्या साढ़े को सबूत है असी बुझ दिल नहीं बाबा जी साढ़े को सबूत है असी बुझ दिल नहीं उस आख्या दे सबूत आदा सबूत ही होए जे किसी आम बंदे दे मुकाबले च नस गया बेशक बुझ दिल आख्या अली दे मुकाबले च जाके नस के भी जिंदा वापस आ जाना बुझ दिल नहीं बहादरी है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जिन्हों का जिक्र पे करें ज्यादा लोग इन्होंने मुफस्सर कुरान तो जानते हैं मुहद्दस तो जानते हैं ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जिमें मुफस्सर है जिमें मुहद्दस है इंजे जंग का शाह सवार पढ़े लिखे चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमाए इस जंगे सफीने एक लाइन सामने आया है अब्दुल्ला फिन्नार कीता दूजा आया है त्रीजा आया जब चौथा सामने आया ना उस वे मेरे मुश्किल शाह मौला फरमाया है अब्दुल्ला वापस आ तवज्जो फरमा रहे हो अब्दुल्ला वापस आया है कायनात दा अमीर आप मैदान च वो जरा सामने आ ना तुहाडा ज़ेहनन सलाम है जिहड़े गल ते पहुंचे हो वो जरा सामने आ वो पिछे इस वास्ते नहीं जा सकता जो जदा आया है ये आख बैठा है कोई है जरा मेरे नाल लड़े ढेर सारे बंदे इस गल फिन्नार हो गए कोई है जरा मेरे नाल लड़े हुण ये जानता है जो मेरे सामने हुण आवणा अब्दुल्ला नहीं अली इब्ने अबी तालिब ये जानता है बजाते खुद जानता है जो हुण मेरे सामने अब्दुल्ला नहीं अली है सरकार फरमाए वार कर पहला वार रद दूजा रद त्रीजा रद चौथा वार कर करके थक गया है वार रद होते रहे बाबा सादक शाह जी नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन तवज्जो ये वार मुक गए इदू पहला वार होया लोग समझे वार खाली गया है अजान सुन लगे हाँ सुनी लगे दरूद पढ़ते रहो अल्लाह मसल्ले अला भला गल कित्थे आई ओ जीवो जीवो
इदू जितने वार होए खाली बाबा जी इदू पहला वार होया है। ओ जड़े पीछे खड़ के वेदे पे आए ना उन्हें समझे वार खाली गया है, उन्हें समझे वार खाली गया है। घोड़े पैर चाया है तो पता लग गए थे पुरबाश है, घोड़े पैर चाया है तो सर डट्ठा है। ओ जड़े पीछे आए ना उन्होंने हल चल मच गई, कोई तो समझो यार मेरा इशारा। वो आज एक दूजे ने इशारा करके ना तो जिस पहला इशारा किया वो आदा अब्दुल्ला तो नहीं, आदा जो कुछ मैं आना है वो है। कोई गल होवे ना उस ग्रुप बन पैंदा है, कुछ बंदे आदे ना जे गल कुछ त्रीजा हिस्सा जरा फौज का तुम अगे तशरीफ ले आओ अगे आ जाओ बिस्मिल्लाह तशरीफ ले आओ अगे। आज मेरी वजह है तो मैं मुकैंदा पे आ जाओ अगे तुम कोई कुछ नहीं आता सलवार पढ़ो खुलिया चेहरे नाल खानदान तो सही। ग्रुप बन गए बाबा फिदा शाह जी वो जड़े बच्चे आए ना फौज का जड़ा हिस्सा त्रीजा की हिस्सा जड़े बचते आए उन्हें आख्या साढ़े सामने गया है खेमे बच्च पानी पी के वापस आया है। ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, जेडे ज्यादा लोग आए वो आखे ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नहीं ये अली है। उन्हें आख्या थोड़े को सबूत है अली है, उस आख्या एक दो बार होंगे रहे उदो वार रद्द होंगे रहे। इको वार होया है जिस सफाई नाल वार होया है वो सिवाय अली दे होर कर कोई नहीं सकता। जिस अंदाज नाल वार होया है ना वो सिवाय अली दे होर किसी का कम नहीं। उन्हां दा जिहड़ा गुरु आ ना उस आख्या की रवा बनाया ने, उन्हें आख्या असी आने अली है ऐ जिहड़ी लेबर है ना ये आदि अली नहीं। उस आख्या मैं दसदा जितनी फौज है ना सारी मिल के हमला करे, जितनी फौज साडे कोल बच गई है सारी मिल के हमला करे, एक कदम भी पीछे हटे फिर अब्दुल्ला है, जे लश्कर पीछे हटे फिर अली है। सारे मिल के हमला करो एक कदम भी पीछे जाए फिर अली नहीं, लश्कर पीछे जाए फिर अली है। इन्हें प्रोग्राम बनाया है सारे दे सारे जड़े बच गए हैं ना अगे बधे ये चौगिरदू आए मेरे मौला सिर्फ अपनी आबा समेती है कायनात कुर्बान करा तेरी बहादुरी तो सिर्फ अपनी आबा समेती है। ये होर करीब होए मेरे मौला घोड़े ने चक्कर दिता है एक दो त्रै अजे खुश पत्ते नहीं ढांगे ओ सार ढठन ते पिछले आख्या ओए हट ओए अली ए अली हक नारा हैदर अली अली वाह 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 क्या बात क्या बात। ई होवेला हाय हाय हुसैन भेणी को नाल गिन के नाने दे रोज तो रोंदा तो बस नाने दी कबर नूं हां ना ला के आदा पे नाना मैं को तेरे शहर नाल प्यार है तेरी कबर नाल प्यार है, कबर दी वजह तू शहर नाल प्यार है, शहर दी गलियां नाल प्यार है। नाना मैं को गलियां दी आबो हवा नाल प्यार है, नाना मैं मदीना ना छोड़ा तेरे कलमा पढ़ा ना है मैं मदीने राहन नहीं दे दुनिया भी किसे दुख खिच ना रोना। नाना मैं मदीना छोड़ के टुटदा पिया, नाना मैं मदीना छोड़ा ना लाने ना में तेरी मर्जी, बद्धे आराम तरोड़ा ना लाने ना में तेरी मर्जी, दोन कर बला पहुंचा ना लाने ना में तेरी मर्जी, सतवी नाना मेरा पानी बंद हो बंजे आवे ना आवे तेरी मर्जी, दा मुहर्रम दी सुबह अकबर दे सीने चुबर छिदा फल छि आवे ना आवे तेरी मर्जी, अब्बास दे बाजू चावा आवे ना आवे तेरी मर्जी, कासिम दी लाश दे टुकड़े चावा। रो रो के आदत पे नाना
पुत्र मिन्नत करके आखन आए जदा मैं सजदा देवा ना तो तेरा उदा हार ना ना पुत्र मिन्नत करके आखन आए उस वेले करबला जरूर आवे नबियां दे सुल्तान दी कबर खंभी है कबर च वैण आया हुसैन बचड़ा तू ना भी आखिया तो मैं करबला तेरा सजदा देखन जरूर आवा मैं ना आखा तो नाना किवें आवा उस वे नबियां दे सुल्तान दा वैण आया हुसैन बचड़ा मैं तेरा सजदा लोहे महफूज ते अपने सजदे तो उच्चा लिखे दुनिया की सदो के नरो में मैं आके देखना केड़े रंग च देवने जो वादत नु मैं मोहम्मद दे सजदे तू पहले लिखना पै गया उस वे हुसैन दा वैण आया नाना जद तुसा सजदा दे दियो तुहाडा सजदा मस्जिद च होंदा तुहाडी धी घर च ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਨਾਨਾ ਜਦਾ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਦੇਸਾ ਸੱਤਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਸੀ ਸਤਰਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋ ਸੀ ਸਜਦੇ ਚ ਸਾਰੋ ਸੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਸ਼ਿਮਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਸ ਜਿਦੇ ਤੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਾ ਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੁੜਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨੌਕਰ ਰੋਂਦੇ ਨਾ ਜਿਬਰੀਲ ਦਾ ਤਾਜ ਲਹਿਦੀ ਆਏ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੰਨਤ ਚ ਮਾਤਮ ਸੈਯਦ ਫੈਟੁਰ ਦੇ ਕਰ ਮਾਤਮ ਸੈਯਦ ਫੈਟੁਰ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜੁੜ ਦੇ ਕਰ ਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਰ ਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਖੀਰੀ ਸਤਰ ਸਲਾਮ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਮਸ ਚੁਮਾਚਾ अकबर दे बंदे दी बहन बिरात गल च पाई पाईयां रो रो क्या दी पईए मैं कुमा सुमा जा पल्लू बना जा मेरी हे लचारे ना नथी हजरत मुकासिम मुरकदर फखर जाकरीन जाकरी अल बैत जवार सैयद हैदर अबा शराजी साहब ऑफ हटा नूर शाह फजल अबू साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और इनके बाद जाकरी दुनिया को बहुत प्यारा नाम अक्का सगम मुफसर मुसैब आले मोहम्मद जाकरी अले बैत अबा अब्बास भट्टी साहब और उनके बाद मिंबर पाक पे तशरीफ फरमा है अक्का सगम मुरक्कदर सैयद जाकरीन जाकरी अले बैत पीर सैयद मोहम्मद सादिक शिराजी साहब मिंबर पाक पे आने का शर्फ हासिल करेंगे जाकरी अले बैत जवार सैयद हैदर अब्बास शिराजी साहब بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولي بحق علي زين العابدين जी सलवात खानदान की तहे सलवात का पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है कोशिश करो सलवात बुलंद नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी या अली वली अलैहिस्सलाम बादशाह हाथ उठा सारे हैदरी या अली वली अलैहिस्सलाम बादशाह हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत इमाम हुसैन बादशाह दी मां दे दुश्मन ते लानत शहजादी कौनैन दे कातिल ते लानत कौन फयकुम बिबिदी जाते अखा बंद करके सलवात बुलंद है इजाजत नौकरी बख्श कर मैं बिस्मिल्लाह करा मालिक संजीद राज फरमावे उस तो पहले दुआ है करीम मालिक सैयदाए कौनैन दी इज्जत दा वास्ता बानियान दी तौफीकात विच मजीद इजाफा फरमावे आमीन उची आख्या है बहुत बड़े रहीस का दरबार जिंदे विच तुसी हाजिर
امام حسین بادشاہ دے پتر علی اصغر دے آخری سانس واسطہ جنہاں مومناں کو پتر کو نہیں مالک انہاں نوں پتر عطا فرمایا بیماراں نوں بیمارے کربلا دا صدقہ مالک شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے بے روزگار مومنین نوں مالک روزگار عطا فرمائے سخی شبیر ہر مومن دی عزت محفوظ رکھے میرے مخدوم دے در تے جتنے حاضر ہو مالک تہاڈی زندگیاں دراز فرمائے ایک ایسی سلوات جنت دے مالک راضی ہو جائے ہاں جی تھوڑی آواز کھولو آواز کھولو اینا اجازت میں اپنی بخش ہو جائے ایک سلوات میرے بعد ساری ذات تے بلند آواز ہے عرض کی تک تمام شہر ولایت کا ذہن زندہ ہے میں بسم اللہ کراں میں بالکل تھوڑا پڑھنا ہے میرے بھائی جان میرے بعد بادشاہ بھی دعا فرما سن ایک چھوٹا جا بھائی جان سرکار محمد مولا امام جعفر صادق بعد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سلوات پڑھو میرے مخدوم دے ذات تے بادشاہ فرماندے نے کہ جڑا بندہ ساڈی مجلس وچ ساڈے ذکر وچ یہ محسوس کردا نا کہ میں بڑا معتبر ہاں اس بندے نو میں شرارت دین اس گل دا علم اس کی موت پہ رہن تے صرف اللہ دی جہان تے رسول دے پتر صدقے جی تھوڑا جا کوشش کرنی مزاج ملانا مالک واڈی زندگی دراز فرماوے تمام شہر ولایت کا ذہن زندہ ہے بس ایک فرق نہیں شاہ مشرقین زندہ ہے علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام میں نے سنا ہے کہ تیری وجہ سے حسین زندہ علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام میں نے سنا ہے کہ تیری وجہ سے حسین زندہ بہت بڑا رئیس ہے جن دا نام ہے حسین حسین اس ہستی دا نام ہے جڑا کنکر تے نظر کرے تے در کر دے وے آسی تے نظر کرے تے ہور کر دے وے آج کل بندے امام حسین بادشاہ دے ذکر تے پابندیاں لا رہے ہیں اس ربائی دے بعد میں ایک جملہ صاحب دا وہ سنگتا دو بند پڑا انہاں نوں بھائی انتظار جی ربائی دی جڑی آخری لائن ہے نا ان دے وچ جواب ہے کہ وضاحت اپنی آپ کر سی امام حسین بادشاہ کائنات دا رہی سے جن دے ذکر نو کوئی پاور نہیں روک سکے میں گل ٹھیک کر بسم اللہ کر غالباً 14-15 دی گل ہے ایک ملعون بولے اس آخیا میرا دل کردا ہے میں کربلا تو لے کے مدینے تو لے کے کربلا تک دے سارے روزے ڈھا دے ایران چو ایک سید بولے جن کا نام ہے حسن نصر اللہ اس آخیا کہ تو آنا نا میرا دل کردا میں روزے ڈھا دے ماں اگلیاں اگے نل گئیاں تو خالی اکھ چو کے حسین دے روزے ال ویکھ اگلیاں نمازاں تہاڈیاں ویڑیاں چ نہ پڑ گئی اسی حسین دے پتر ہیں ہوں میرے تے سوال کر سکتے ہو بھائی انتظار جی علی بادشاہ دے نوکر اے واحد حسین ابن علی دے نوکر نے اے جذبہ جنون اے انہاں موت تو ڈر کیوں نہیں لگتا سوال تے بندا ہے نا اے امام حسین بادشاہ دے نوکراں نوں موت تو ڈر نہیں لگتا ایک سلوات ہوے میرے بادشاہ دے راہ کوشش کرو سلوات بلند آواز علی ولی کی الفت کا تاج رکھتے ہیں میں بسم اللہ کراں علی ولی کی الفت کا تاج رکھتے ہیں اکبر کے باپ کے ہیں نوکر ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں اور ڈرتے نہیں کسی جزیر سے ہم حسینی ہیں حسینی مزاج رکھتے ہیں بسم اللہ کراں ایک ایسی سلوات بادشاہ کائنات تن دعا فرما دے اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
محمد صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بلند صلوات سيدا تُو گھر وچ ٹرنا تے ایک آسیہ زینب دارے مینو چنتا ہے اس دار دے وچو مدا امت نہ دی اچارو کے آدن میں کیوں عباس ہوئے انہوں ترن دکھیڑی میں بسم اللہ کران آئی کر کرو منار زندہ باد آخری بین طالب دعا بابا صادق شاہ جی تڑپی اکبر دماغ بابے دے پاسے کیا دیا کیا جی اگلہ کر کرو دیو دیدہ سار چمک سیدہ دے تیرے نانے محمد جان دے باد مسلمانہ تیری ماں نو دربار وچ بلا کے مارے سیدہ دے بدل جاون رتی اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جاوے میں نہ ہواں مسلمان تینو بازار وچ مارن پیو دے پاس لے کے آ دی بابا کی او جی گلا کر دے او میرے تے میری ماں وچ فرق پاوے دی دے پاس لے کے سیدہ دے علی کیڑا فرق اے او رو نارے تڑپی اکبر دی ماں بابے دے پاس لے کے آ دی گئی دربار اچ آئے بے وارس سماج کہ مسلمان دتی خالی سین اچرو کیا دینے میرے پیو دے پتار اٹھارا تے جڑے ہن کہنا دشائے کہندی جرت ہے بھی جیڑا مینو ٹورے اوندا تخت دیون او جی دیر سیدنا یہ تھے پیر سید حیدر عباس شیرازی صاحب اب آپ کے سامنے عطا سلام فخر زاکرین زاکرین دنیا کا بہت پیارا نام زاکری علیہ بیت جناب آغا عباس بھٹی صاحب فضائل ابو صاحب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد آقا سلم مرکہ درد مؤذن اذان ولایت مفسر مصاحب آل محمد پیر سید محمد صادق شیرازی صاحب فضائل ابو صاحب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے ممبر سلطان کربلا بیانے کا شرف حاصل کریں گے زاکری علیہ بیت جناب آغا عباس بھٹی صاحب یا رب محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج نا
नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत जितना सोना अल्लाह तआला रसूल देता है सारे आपको नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या कुबा को लई मां जा को सोरी याद सारे ना जव हैदरी या अली अलैहि सलाम हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत मिल के बावाज बुलंद सलवा मलंग करे था वन्या सारा मजमा लाल वैसे आगा वादा में सलवात पढ़ो सारे ऊंची पढ़ो जा अल्लाहुम्मा सल्ले अला इजाजत है मैं बयान शुरू कर पूरी दुनिया हर बड़ी शख्सियत नाल तमाम तहरीक कैदीन नाल उन्हां लोगां दे हम मसलक हम अकीदा हम नजरिया हम फिक्र हम सोच मुहब्बत ही करेंदे ते अकीदत ही रखदे नू नाल नू दे हम मसलक मुहब्बत करेंदे ईसा नाल ईसाई मुहब्बत करेंदे मिर्जा साहब नियाज़ हुसैन फकर दुआ दी खातर जेड़े आए मजलिस पिनण दी खातर बैठो बाबा पहला ही फजीलत है मौसम इंसानियत दा जुमला भाईजान जेड़े जवान बैठो मैं तुहाडे हवाले जुमला करेंदा पूरी दुनिया च हर बड़ी शख्सियत नाल तमाम तहरीके कैदीन नाल नू नाल नू दे हम मसलक मुहब्बत करेंदे ईसा नाल ईसाई मुहब्बत करेंदे जरदश्त नाल मायूसी मुहब्बत करेंदे राम ते कृष्ण दे अवतार नाल फकत हिंदू मोहब्बत करें दे ना मगर ओ दामन अजल तो घिन के दामन अब तक पूरी कायनात च वाहे तुहाडा मुर्शिद हुसैन है जिस नाल पूरी इंसानियत मोहब्बत करे हाथ जाओ हैदरी मेहरबानी साहब मेहरबानी साहब मेहरबानी मेहरबानी साहब मौला जी मेरदा साहब मेहरबानी मौला शिफा दे ले बिस्मिल्लाह करा मेहरबानी साहब वाहे तुहाडा मुर्शिद हुसैन है जिस नाल पूरी इंसानियत मोहब्बत करे नहीं देखो कैसा फजाइल है अल्लाह तो आपको कैसे हादी अता कीते कैसे राहबर अता कीते बारगाह रिसालत है दुआ फरमाइंदे पए खुद हजूर मैं तुहाडे इलाके च पहली दफा आया मैं ना जानदा तुसी किस मिजाज दे हो लेकिन मलक मुख्तार हुसैन खोखर पढ़दे हुंदे हन रुबाई दी आखरी सतर च आके जाए घर ते अलम नजर आवे ज़वार को ही में लगदा है मेरा घर आ गया है हाय 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 बिस्मिल्लाह हाथ जाओ हाय मेहरबानी साईं बिस्मिल्लाह करा हुण मलंग सज्जे खब्बे नहीं देखना क्यों इबादतों के मराहिल से गुजर देखो बिना होब हैदर के ऐसा भी कर देखो डर खुदा ने पूछ लिया तो क्या दोगे जवाब तुम्हें किसने कहा था इबादतों में इधर उधर देखो हाय हाय हैदरी मेहरबानी साईं बारगाह रिसालत हजूर मेंबर ते जलवा कर रहे पूरी कैनातियां सलासो बलागात जमा थी के हजूर दे लबां दे बोसे गिनने च मसरूफ हैं इसे कशमकश इसे दौरान मजमे जो एक सहाबी उठा मिर्जा साहब इवें हाथ बन के आदा आका पर गए रिसालत च कर ले हजूर फरमाने ने केड़ी अर्ज दुआ फरमावे इंशाल्लाह नौकर तुहाडा जुमला समझा गिने केड़ी अर्ज ए हाथ बन के आदा आका मल फर्क बैन अली व हुसैन अली और हुसैन क्या फर्क है हाय 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 मेहरबानी मेहरबानी तुहाडी बिस्मिल्लाह कर हाय अली मेहरबानी सही अली अली जी 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 अली और हुसैन क्या फर्क है बाप और बेटे क्या फर्क है जेड़ा पूरी जिंदगी हुसैन कनु लंगर बचड़े शिफा मंगदा रहे अगला जुमला उंधे कीते बाबा अली और हुसैन क्या फर्क है बाप और बेटे क्या फर्क है अल्लाह दी पहली और त्रीजी हुज्जत क्या फर्क है पूरी कायनात दा जलाल तुहाडे रसूल दे चेहरे ते आया फरमाया गौर नाल सुन अली दी मोहब्बत वास्ते मोमिन होना जरूरी है हुसैन की मोहब्बत वास्ते फकत इंसान होना मेहरबानी साहिब हैदरी अली दी मोहब्बत वास्ते मोमिन होना जरूरी है हुसैन दी मोहब्बत वास्ते फकत इंसान होना जरूरी है ताई तो ना आखे ना इंसान को बेदार तो हो लेने दो
हर कौम पुकारे उन्हें यह आखे जो सिर्फ मांझवा के वासी आखसन बोलो नहीं हाफजाबाद के कोट सरवर ना साईं वादे कोई जेथ 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 रहा मोंडे हिलावण की जरूरत नहीं समय पैन जद बेदार थी सन खाली ना सुरख लम चा के लोगों को आखसन हट मुझो क्यों अखा वाद के आखसन दे के नो हमारे है हुसैन हमारे है हुसैन बाबे फरीद ना सुनाए वे मलंग मैं तक आखे अगा वंजो उंदे कीते उदे जिमन च मैं एक जुमला पढ़दा फकत तेरे कनू दुआ गिनन दी खातर बाबे फरीद अपने मलंग आका साईं दरिया दे परले पासू मंजना है तू मेरे नाल जुल अगले जुमले ते मैं को पता लग सी जो तू सा फजीलत आले मोहम्मद के संदाज के जोश के वलवले नाल सुन दे हो दरिया दे परले पासे मंजना है मेरे नाल जुल मलंग अखे सई लगे तम वैसू अगू है दरिया दरिया च है पानी पानी सा को रस्ता डेवना कोई नहीं फरीद सर जा के आदे पानी रस्ता ना डेवे मैं अली को हक दा इमाम मन्ना जो हाय 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 नाग अली हाथ जावे हाय दरी आगाज मजलस आई बिस्मिल्लाह करा अगर पानी जी करा रस्ता डेवे ना हमें अली को हक दा इमाम मन्ना क्यों टुर पे बाबा टुरदा दरिया दे कोला पहुंचे बाबा फरीद मलंग को प्यादे मलंग मैं दरिया विच कदम रखे सा तू मेरे कदमा दे उते कदम रखदा मैं मत हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद फिरद पढ़दा मैं दुआ कराए शाला मैं जुमला समझा के ना बाबा हक फरीद या फरीद फिरद करदा मैं बाबे पहला कदम दरिया च रखा पिछो मलंग रखा अगो अगो फरीद टुरदा आंदा पिछो मलंग टुरदा आंदा रब दी कसम मैं फरीद मलंग पढ़दा आंदा हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद बाबा नौ करा दाडा अगले जुमले ते जद पंजवे कदम ते पहुंचे ना मलंग आके मैं डिठा ते बाबे फरीद दे लप हल्दे आन आदे मैं गौर नाल सुना ता सही बाबा पढ़दा के पया मलंग आदे जे गौर नाल सुना है ना ते बाबा फरीद खुद पया पढ़दा हक या है ये हक या है हाय दरी हक फरीद या फरीद हक फरीद आदम मैं मलंग आदम मैं फिर दे छोड़ देता मैं वो हफेर दे शुरू कर देता जेड़ा साईं पे पढ़ दिया मैं आका हक या इली हक या इली हक या इली हक या इली जेड़े जवान बच्चो हाथ चाह छोड़े बाबा बिस्मिल्लाह चला इमाम दी जरी नाले हाथ मां सोवे ना मलंग आदम जब मैं पंजवी दफा आखा ना मैं को पानी उन्हें रास्ता नहीं देता मेरा मत्था मांझे रेत लगा बाबे फरीद ना मोंडा हलाया चबल जमाने का पढ़ हक या इली आका बाबा मैं वो हफेर जदा तू फरीद को ना पहचान सका अली तक किवें पहुंच सके अल्लाह की कसम बहु वड्डे अल्लाह ते को हादी अता कीते जिन्हां दा नाम चावणा इबादत कई जगह ते कि थाई मां चा तक शर्मिंदगी महसूस न थी सी इतनी बड़ी अजमत दे जो मालिक है मगर कुरान दी कसम ही तेरे इमाम दियां धीयां रुल गया अल्लाह हू अकबर मैं कुर्बान थी पवा इजाजत है मेरे सब तू लफ्ज में साहिब दे बड़ा अच्छा बाबा बोलो जित मजलिस होंदी है ना मोमिन अज़ादार ज़ाकिर अपनी मर्जी ना लांदे मगर दू बीबियां सवेर की नमाज इमाम खोटे चा पढ़ दिया एक शाम अली सैन बिस्मिल्लाह करा एक जन्नत उल बकी अली सैन मोमिन अज़ादार आड़े दिया रहनियां मलान कोई वेला जो याद आंदा है ना दीमा दे गल लग वेंदी रो क्या दी अम्मा जा मोमिन क्यों नहीं आए मैं जो शाम छोड़ आई मेरे भिरा दी अज मजल शुरू क्यों गर्मी बहु है लेकिन एक लफ्ज तेरी धरती ते पढ़ चढ़ला कि हुणे मजलिस दे बाद जाकिर पड़सी मोमिन उठी ने सबील ते वेंदे रब दी कसम एक लफ्ज याद रखाए जदा तेंडे इमाम आखरी विदा कीता है ना हुसैन खैमे दा सज्जाद गल च बारी पाक पया ते सज्जाद जद मदीने वैसे ना मेरे शिया को मंज की आखे अकबर दा बाबा आ जावे जद ठंडा पानी पियो मैं गरीब दी दस को याद रखे
ਸਿਰਿਆਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਪਵਾਂ ਜਿੱਥਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਕੋ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਪਵਾਂ ਰੁਲਦੀ ਰੁਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ 18 ਵੇਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਪਵਾਂ ਦਸਾਂ ਕਿਤਨਾ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਛਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਲੀਆ ਸੈਣ ਅਬੂਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਖੜੀਏ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਰਸੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਗ ਵੰਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰਾਤ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਾਦ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਸੱਜਾਦ ਮਾਂ ਮਰਵੰਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁ ਔਖੀ ਥੀ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸੱਜਾਦ ਮੇਰੀ ਕਿਥਾਈ ਕਿਥਾਈ ਅੱਖ ਲੱਗ ਵੰਦੀ ਆਏ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਕੋ ਨੇਂਦਰ ਖਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਮੜ ਡੇਗ ਗਿਆ ਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਭੈਣ ਕੋ ਦੇਰ ਚੱਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਡੇ ਦਾ ਘਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀ ਆਦ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਆਇਆ ਸਹੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਗਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ ਜਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਰ ਅਲੀ ਸਾਂਗ ਲਟਕਾਇਆ ਬੀਬੀ ਆਦ ਅੰਮਾ ਵੰਜ ਦੇਖਾ ਦਰਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਗੁਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਵਾਨੋ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਮਿੰਨਾ ਫਿਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚਾਇਆ ਡੂਆ ਕਦਮ ਚਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਓ ਵੀ ਤ੍ਰੀਜੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਰੋਕ ਗਈ ਏ ਬੀਬੀਆ ਜਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਵਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਾ ਰੋਕ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਦਰਖਤ ਜੋ ਬੋਏਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬੀਬੀਆ ਜਮਾ ਵਾਂਜੜੇ ਕੋਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹਰ ਪੱਤੇ ਚੋਂ ਤਾਲਾ ਲਹੂ ਪਿਆ ਵਾਲ ਬੀਬੀਆ ਜਮਾ ਹਾਏ ਓ ਮੇਰਾ ਤਸਾ ਵੀਰਾ ਬੀਬੀਆ ਜ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਬਹੁ ਔਖੀ ਉੱਠੀ ਆਈ ਬਹਿਣ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਦਰਖਤ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀਏ ਸ਼ਬੀਰ ਜ਼ੈਨਬ ਜਾ ਜੀਂਦੀ ਏ ਦੂਜਾ ਵਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਯਾਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਸੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਵਾਂ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਆਜੇ ਕੌਣ ਰੱਸੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਲੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਸ਼ਬੀਰ ਸਜਾ ਦੇ ਲੱਖ ਪਾ ਕੇ ਰੋਲੀ ਅਜੋ ਕੇ ਭਈਆ ਦੀ ਆਜੇ ਕਮੇਰੀ ਨਸਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਦਾਵੀ ਦੀਦੀ ਮਰਹਬਾ ਅੱਲਾ
दुनिया तो टुर लोग कह कु इजाजत है आलिया सैन का मसीहा पढ़ा जा सजाद आदि अम्मा पेकिया को छड़े देने बीबी आदि सजाद हूं मां के पेकिया को सद मां सद सुनावा सजाद मामा लाया है करबला दे पास मुंह जगीदा है सजाद पाई वधा के दे पी मार दे आगे बढ़ गई है अभी मार दे आलिया दा मातम सिर ते सोना लगदा है अभी मार दे आगे बढ़ गई है तेरी धरती दे आलिया सैन दा पर्दा मैं आप आलिया सैन दा मातमिया जे दिल चरमा लगी ते सिर ते मातम डरे जदा सजादा खाए अम्मा आज पेके वसदे होनिया बीबी दा मिर्ज़ा साहब मैया चल गया है रोज क्या दिए वे सजाद जदा बाबे दी कबर ते वैसे मेरिया मामा भेण तुहाडे हिस्से दा आखरी लाल मां चाचे दा सलाम करे अब आपके सामने सैयद ज़ाकरीन अकास गम रखा दर्द मुफस्सिर मुसाहिब आले मोहम्मद पीर सैयद मोहम्मद सादिक खिराजी साहब फजाले मुसाहिब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और इनके बाद ज़ाकिर आले बैत जनाब मुजाहिद अब्बास भुट्टा साहब फजाले मुसाहिब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। 12 ज़िलहज और 13 ज़िलहज के दरमियानी शब
मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है मोना माने का स्टाफ पे रिहायशगाह चौधरी हसन नवाज भट्टी चौधरी रब नवाज भट्टी के इशारे सवाब के लिए मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इत्माम है जिसमें पढ़ने वाले हैं खान तकी अब्बास कियामत जाकिर अल बैत सैयद शफकत मोहसिन काजमी जाकिर अल बैत जनाब जमशेद अब्बास जोया जाकिर अल बैत खान असगर अली खान बलोच आफगरोड मौलाना जहीर अब्बास तहरी इन समेत काफी जाकरीन हैं। मोमिनीन से शिरकत की अपील है 12 ज़िलहज ठीक 8 बजे रात मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आगाज हो जाएगा। मोमिनीन से शिरकत की अपील है शिरकत फरमा कर सवाब ग्रहण हासिल करें। मेंबर सुल्तान करबला पे आने का शर्फ हासिल करेंगे सैयद उज़ाकरीन अक्का से गम मुरक्का दर्द फख्र उज़ाकरीन मुअज्जन अजान विलायत आलम बा अमल पीर सैयद मोहम्मद सादिक शराजी साहब आफ मांगोवाल फजाल मुसाहब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। सैयद जादे की आमद है वारस मेंबर हैं वारस जिक्र हैं बा आवाज़ बुलंद नारे तकबीर ऐसे नहीं आप काफ़ी हैं आवाज़ कम है बा आवाज़ बुलंद खालिक के कायनात का नाम है उस हस्ती का नाम है जो अली का भी खालिक है बा आवाज़ बुलंद नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मिलके नारे हैदरी पीर सैयद मोहम्मद सादिक शराजी साहब मजला जन्नत बनेगी जिन्हें दे बगैर ना तेरा गुजार है ना मेरा गुजार ये जड़ी आयत उतरी है च मुख्तसर कर दिता है ये जड़ी आयत उतरी है ये वसत मौजूद है जितने बेटे नहीं लाया सारे जमा दे सीगे जितनिया बेटियां नहीं लाया जितने भरा नहीं लाया इस वास्ते वस्ते मदीने 24 जिलाई दे रात नु तैयारियां होंदिया रही किवें कया के बेटा बन के वैसा कया के बेटी बन के वैसा कया के भरा बन के वैसा परेशान हो गए हो कभी भी तैयार ना होंदे जे पता लग वेंदा उत्थे करनी है कूड़े ते लाना थोड़ी जिंदगी दराज हो गए मैं तो समझा था क्या बैठे हो सो 24 जिलाई की रात नु तैयारियां होंदी रही बेटा बन के वैसा बेटी बन के वैसा बिरा बन के वैसा बीवी बन के वैसा तू आद सारे अहले बैत आवे 24 ज़िलहज नु सुबह दे टाइम वस्ते मदीने चो अल्लाह दे नबी नु कोई हिक भी नहीं मिलया जिनू नाल ला के वंजन मेंबर हुसैन दी कसम है मेरे मुर्शिद अली दे घर चो कोई हिक भी नहीं मिलया जिनू घर छोड़ के वंजन मेहरबानी मौला कितनी हस्तियां डुरियां बोलो पांच हस्तियां पांच तन पाक इजाजत होवे मेरे भाई भी कसीदे पढ़ सन दो त्रै चार जाकर होर भी कसीदे आले आए बैठे इजाजत होवे सूरह रहमान ज करीम अल्लाह ने पंजां दी शान ज एक इकट्ठा कसीदा पढ़िया सुना दे मैं जाकिर कौन बने भाई जी रहमान अल्लाह जाकिर बने इस घराने का सूरह रहमान ज करीम पे फरमाते मारा जल बहराई ने याल ताकयान बैना हुमा बरज़खुल्ला यबगयान फाब अय्ये अला ए रब्बे कुमा तुकज़्ज़बान करीम के फरमाते व यखरुजु मिनहुमा लुहलु वल मरजान अपने आप को थोड़ा समझी बैठे हो मेहरबानी मेहरबानी मलंग सिंह बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह ने कुदरत कामिला दे नाल कायनात च दो दरिया बनाए दो दरिया बनाए फिर मैं अल्लाह दो दरियावां दे दरमियान एक हद बनाई कदी कदी मेरी मशीयत दे नाल इरादे दे नाल हद हट दिए
ਦੋਹੇ ਦਰਿਆ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾ ਯੁਖਰਜੋ ਮਿਨ ਹੁਮਾ ਲੋਹਲੋ ਵਾਲ ਮਰਜਾਨ ਲੋਹਲੋ ਵਾਲ ਮਰਜਾਨ ਜੇ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਵੱਜੋ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਸਾਇਲ ਸਵਾਲੀ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਛੇਵੇਂ ਇਮਾਮ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸਲਾਮ ਵਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲੀ ਪੁੱਛਦਾ ਮੌਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦਰਜਨਾ ਐਸੇ ਆਯਾਤਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਦਰਿਆ ਕੌਣ ਹਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੇ ਹੱਦ ਕੌਣ ਹੈ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਖਾਲਕ ਕਸੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਛੇਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਲੈ ਜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਦਨ ਸਾਹਿਲ ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਅਜ਼ਮਤ ਜਲਾਲਤ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਦਰਿਆ ਅਸਮਤ ਤਹਾਰਤ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬਤੂਲ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਸਨ ਛੜੇਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਛੜੇਂਦੇ ਹੈਦਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਸਨ ਛੜੇਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਟੁਰੀਆਂ ਪੰਜ ਹਸਤੀਆਂ ਟੁਰੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਮੁਬਾਹਲਾ ਲਗਾ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਦਾਦ ਹੁਸੈਨ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਪੰਜ ਹਸਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹਸਨੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਮਾ ਟੁਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਆਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਚੜਾ ਜ਼ਹਰਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਦਮ ਰੱਖਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਯਾ ਅਲੀ ਜੀ ਮੌਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜ਼ਹਰਾ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜਾ ਸਹਿੰਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਭੱਲੋ ਵੀ ਹਾਏ ਕਰ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਲਿਆ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਦਮ ਰੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਯਾ ਅਲੀ ਜੀ ਮੌਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜ਼ਹਰਾ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਣਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਯਾ ਅਲੀ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਲੀ ਆਦਨ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਈ ਆਵੇ ਮੌਲਾ ਇਤਨੇ ਇਤਮਾਮ ਤਲੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਦੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲੀ ਆਦਨ ਹਾਇਓ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਲ ਅਸਲ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਐਡੀ ਮਕਬੂਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਲੀ ਮਜਲਿਸ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣ ਆ ਗਏ ਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਸੁੰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਸਾਜਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਰੋਵਣਾ ਰੋਵਣਾ ਨਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਦਨ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਲੋਟਾ ਛੋੜਿਆ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਸ ਬਚਾਇਆ ਝੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ ਬਚਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਦਨ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਲੁਟਾ ਛੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਚੇਲਮ ਦਾ ਦਵਾਰ ਹੀ ਬੈਠੋ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਲਾ ਲੈ ਵਜੇ ਸਈਆ ਦਾ ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ 7 ਕਰੋੜ ਤਾਦਾਦ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਚੇਲਮ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਖ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਹਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਦਾਦ ਉਹਦੀ 40-45 ਲੱਖ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ ਇਹ ਵਾਦਨ ਕਰੀ ਮੱਲਾ ਦੇ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਨਕਵੀ ਪੈ ਪੜਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਚੇਲਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ੀਆ ਹੋ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਚੇਲਮ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੋ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ 7 ਕਰੋੜ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 7 ਕਰੋੜ ਤਾਦਾਦ ਆਈ 80 ਮੀਲ 'ਚ ਦਸਤਰਖਾਨ ਆਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਵਾਦਨ ਕਰੀ ਮੱਲਾ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਦਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਘਰ ਉਸੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਤੈ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਦਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੈ ਹੁਸੈਨ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਦਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਬੀਲ ਉਸੀ ਨਾ ਕਹਿ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਬੀਲ ਉਸੀ
ਸਬੀਲ ਉਸੀ ਤਾਂ ਫਕਤ ਸਬੀਲ ਹੁਸੈਨ ਉਸੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਰੁਤੀਨ ਵਾਅਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਅਦਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇਰਿਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੁਸੈਨ ਜਵਾਨ ਤੇਰਿਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸੈਨ ਤੇ ਬੁੱਢੜੇ ਤੇਰਿਆਂ ਬੁੱਢੜੇ ਨੂੰ ਰੁਸੈਨ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਰੁਸੈਨ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਹੁਣ ਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਜਲਿਸ ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਈਦ 'ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਵੇਖ ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਈਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਨੌ ਜ਼ਿਲਹਜ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸੇ ਧੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਛਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਕੱਲੀ ਰੋਵਣ ਨਾ ਵੇ ਆਏ ਕਰ ਛੁੜੇ ਸੋ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਹਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਕਬਰ ਹੋ ਸਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਤੂਰ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਟੁਰੇ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰਦੀ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਹ ਢੂੰਡਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਬਰ ਕੱਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਭਰਾ ਮਾਮੇ ਦੇ ਹੱਲੇ ਕਰ ਬਲਾ ਪੁੱਸ ਗਏ ਦੋ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਗਏ ਦੋ ਕੂਫਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਭਲੋ ਵੀ ਆਏ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਅੱਖ ਵਸ ਪਈ ਹੈ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ ਦੁਆ ਝੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਪਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਵਾਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗਿਰੀਆ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਮੌਲੋ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਦੁਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਬੈਠੇ ਕਰੋ ਕੂਫਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਰੋਂਦੇ ਵਧਣ ਆਦੇ ਵਧਣ ਲੋਗੋ ਅਸਾਂ ਯਤੀਮ ਹਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨਾ ਅੱਬਾਸ ਅਤੇ ਬਣੇ ਜਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਚੱਕਰੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਸੁਬਹ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇਸ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਡਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੈਮਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਵਧਿਓ ਈਦ ਕਰੀਬ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਰੱਖ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਈਦਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਾ ਤੋਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ ਜੰਗ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾਸ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਵੀਰ ਨਸਾ ਛਾ ਮਾਮੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬੱਲਾ ਹੋਈ ਹਰ ਅੱਖ ਵਸ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਚਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੱਕੇ ਬਣੇ ਦੇ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਯਤੀਮ ਆ ਸਨ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਆਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰੋ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੋਮਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈਣੀ ਆ ਟੁਰ ਪੈ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਾਰਿਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਅਤੇ ਹਾਰਿਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਤੀਮ ਲੈ ਆਈਏ ਆਦੀ ਅੱਲਾ ਮਾਂ ਨਾਕ ਬੂਹੇ ਅਤੇ ਹਸਨ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਆਏ ਇਹ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਏ ਕਰੇ ਸੋ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਮਨ ਜਾਂ ਨਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੂਫਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬਣੇ ਦੇ ਮੋਮਨਾ ਹਾਈ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਏ ਖਾਣ ਆਖੋ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਬਾਈ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਏ ਖਾਣੇ ਖਵਾਏ ਰਾਤ ਹੋਈਏ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਈਏ ਦੋ ਬਿਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਦਾ ਦੋ ਬਿਸਤਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾ ਆਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੀ ਦੋ ਬਿਰਾਓ ਆਦੇ ਇੱਕੋ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾ ਆਦੇ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਦਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦੀ ਅੰਮਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਲ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਦੀ ਅੰਮਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਿੱਕੇ ਫਿਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਲਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਅੱਧ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਘਰ ਆਏ ਬੀਵੀ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਯਤੀਮ ਲੱਭ ਪੁੱਸ ਆਦੀ ਹਯਾ ਕਰਿਆ ਕਲਮਾ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਮਰਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਾ ਇਨਾਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਬਚੜੇ ਡਾਢੇ ਥੱਕ ਪਏ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਦਾ ਪਿਆ ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ
मेरे को आवे एक दुए नु गल ला के ना दोवे शदा दे उच्चा रोन ने भला होवे हाय कर करो वाला जालिम दे कन्ना ते आवाज आई है कहंदे बच्चियां दी आवाज है आदी पड़ोसियां दी होसन जालिमा दे पड़ोसियां दी होवे ना जिवें रोंदे आ कोई चुप करा वाला भी होवे जिवें रोंदे पैन मैं यकीन हो गए मुस्लिम दे यतीम है चाबी मंगी है चाबी नहीं मिली ताला तरोड़ के अंदर आए अंधेरी रात है अंधेरा कमरा है बहादुर तो बहादुर मर्द कल्ला कमरे सुत्ता पे होवे आध रात दा वेलो होवे दरवाजे ते आके को बंदा पत्थर मारे जेड़ा बहादुर उसी घबरावे सी आध रात दा वेला चाबी नहीं मिली ताला तोड़े ना खड़े अंधेरी रात है अंधेरा कमरा है ताला तरोड़ के अंदर आए कै वेले सज्जे हाथ मारे आ कै वेले खब्बे हाथ मारे आ एक कोने चू आवाज ये लगता है तू मालिक के मकान है तेरी बीवी साढ़े ते वड़ा एहसान कीता है माफ करे सो जालिम दे दोवे हाथ शहजादे दियां जुल्फां चाके सात पौड़िया उच्चा मकान आ पहली सीढ़ी लता है दोई सीढ़ी लता है जद त्री सीढ़ी ते आया है जालिम दोवे हाथ छोड़ उस वेले छोटा शादा दादा है कोई कपड़ा बचत दे मेरी पहचानी फाट गई है भला हो भी एडी मकबूर रूहानी अताली मजरे आदे कोई कपड़ा बचत दे वीर खून नहीं पिया रुकदा सारी रात सतून दे नाल महफूज चकी तद इंजे पढ़ा सतून दे नाल महफूज चकी तद एहसान करके एहसान जतला वाले खानदान चो हो के जिंदगी दी आखरी रात दोवे शला दे एहसान पे जतल हर जुमला हर बंदे वास्ते होंदा ही नहीं बड़ा शला दाद हर इस मेरे करीबा जालिम करीबा या ए दसा तन ए मकान कै बनवा दिता द मैं नहीं जानदा द तू नहीं जानदा मैं जानदा तू साडे मामे अब्बास दा नौकर ए मकान दे को साडे मामे अब्बास बनवा दिता याद कर तेरी शादी साडे मामे अब्बास सुभान अल्लाह एडी मकबूर मजले याद कर ए मकान साढ़े मामे अब्बास बनवा तेरी शादी साढ़े मामे अब्बास करे याद कर एक दिन साढ़ा मामा तेरे घर चाया ते साढ़े मामे दा घोड़ा इसे सतून दे नाल जबदा मेरे मामे तेला क्या हारस याद रखे थमे नाल हैवान बनी ने या करे अच्छा अब्बास दे बने भला हो जुलम करे दरे सुबह हो ये दरिया दी सैर करा लिया वा बीवी सामने आके आदे जालमा पहले मन मार दी मकान दी छत चढ़ के आदे कूफे आले आवा साडे मेहमान नु बचवाओ कोई मदद नु नहीं आया दरिया दी मणे जालमा दे चोले लहावो मुश्किल तरीन दुआ झोल ज रखी बड़ा दे ते मरने असा मरी होना दो दो रकात नमाज पढ़न दे पढ़ लो नमाज जे फायदा दी दी ने दरिया दे मन दो टोरन सामने आ क्या दे वजू दे बहाने तू सब पानी पींदे हो अरमान से गल दे जहरा दी औलाद दरिया दे मन ते तयम्मम बैठे कर दो दो रकात नमाज पढ़ी ने आदरसा अपना काम कर लिया है तू अपना काम कर जड़े मुसैयब दे दवार बैठा गवाही दे जो लाल मादे चोले लहावो भला होवे ओ तस्वीर ज़हन च रखे जड़े मुसैयब दे दवार बैठे हो अजे भी मंजर उठे नजर आंदा वड्डा लहाई खड़ा छोटा कोशिश करेंदा चोला नहीं पिया लहा सकदा घर वाई के तजर्बा कर लवे पाँच या सत साल का बच्चा होवे जिनक दे क्या के चोला लहा कै वेले माँ देर वेखसी कै वेले भैन देर वेखसी पाँच या सत साल का बच्चा ना चोला पा सकता है ना चोला लहा सकता वड्डा लहाई खड़ा छोटा कोशिश करे ना चोला नहीं पिया लहा सकता कुर्बान वन्या उस वेले उच्चा रुने छोटा शहजादा वेखे मेरे पास एक वैण सुना बड़ा
ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਸੈਦ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਆਏ ਕਰੇ ਸੋ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਵੱਡਾ ਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਛੋਟਾ ਆਦਾ ਆ ਯਾਦ ਗਿਆ ਜਦ ਤੁਰਦੇ ਅਵੇਲੇ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਹਾਂਜਣ ਕਿਦੀ ਸਾੜੇ ਵਾਲਾ ਚ ਜਦ ਕੰਗਿਆ ਦੇ ਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਚੋਲੇ ਸਾਕੋ ਕਈ ਵਾਰ ਲਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਧੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਜ ਬਟਣ ਖੁੱਲਦੇ ਚੋਲਿਆ ਦੇ ਗੱਲ ਸਭ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਰੀਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜਰ ਰਸਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਣ ਗਏ ਹਾਏ ਕਰੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਣ ਗਈ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਂਗਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਜਾ ਤੂੰ ਕੰਡ ਕਰ ਮੈਂ ਭਰਾ ਤੇ ਚੋਲਾ ਲਵੈਨਾ ਹਾਏ ਕਰੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਹਾਏ ਕਰੇ ਸੋ ਤੂੰ ਕੰਡ ਕਰ ਮੈਂ ਭਰਾ ਤੂੰ ਚੋਲਾ ਲਹਿਣਾ ਝੁਕਦਾ ਝੁਕਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੁਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਾ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦ ਕਰ ਪਰ ਲਹਾਚਾ ਚੋਲਾ ਰਹਾ ਦੇਖ ਲਹੀ ਸਜਣਾ ਦਾ ਅਸਮਾ ਕੋ ਹੁਣ ਲਾਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਲੈ ਮਾਮਾ ਮਦਾ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਕਰੇ ਜਲ ਕਰੇ ਜਲ ਕਾਢੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਾਢ ਲੈ ਖੁੱਲ ਗਏ ਵੈਨੇ ਦਿਲ ਮੈਡਾ ਘਬਰਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵੀਰੋ ਹੈ ਚੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਏ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਏ ਕਰ ਛੋੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਮੰਨਣ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਾ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੀ ਖੜਾ ਛੋਟਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਖੜਾ ਮੁਸੱਈਬ ਦਵਾਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੋਏ ਮੰਦਰ ਵੇਖਾਇਓ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਦਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖੋਦ ਆਇਆ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚਾਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਤੜਪਦੇ ਪਏ ਹੈ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠਾ ਆਦਾ ਬੈਠਾ ਵਤਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੇ ਰੱਲੇ ਤੁਰਿਆ ਸਦਕੇ ਪਰਦੇਸ ਚ ਬਾਬਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਮਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਏ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਏ ਉਹ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਰੇ ਇੱਥਾਂ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਰੇ ਫਿਰਾ ਦਾ ਸਾਰ ਫਿਰਾ ਝੋਲ ਚ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਵਾਈ ਪਿਓ ਪੜਦਾ ਈਦ ਦੀਏ ਮੁਸਲਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਖਿਆ ਦਿਲ ਮਾਮਾ ਹੁਸੈਨ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਈਦ ਮੰਗਾਣਾ ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਆ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਯਮਨੀ ਦੌੜ ਮੰਗਾ ਦੇਵਾ ਅੱਜ ਲੈ ਮਾਮਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈ ਵੀਰ ਮਿਲਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਕਰ ਲਵਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਇਮਾਮ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਰਾਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਬਾਸ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਵੀਰ ਮਾਮਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਾ ਅਸਮਾਨ ਬੁਲਾ ਖਿਲਾ ਦੀਆਂ ਆ ਕਿਆ ਦੇ ਲੰਮਾ ਜਲਦੀ ਆ ਮਾਮਾ ਬੱਚੜੇ ਮਿਲ ਆ ਕਰ ਛੋੜੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਭੈਣਾ ਏ ਇੱਕ ਕੁੱਠਾ ਪੀਏ ਪੀਆ ਫਿਰਾ ਦਾ ਸਰ ਝੋਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਮਾਨ ਕਰੇਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅੰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦਾ ਆਦਿਆ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਐਡੀ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖਾ ਨੌਕਰ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਹਲਾ ਦਫਾ ਖਾ ਦਵੇ ਚੱਲੇ ਤਮਾਲ ਕਰੀਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅੰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੰਮਾ ਸਿਧਰੋ ਵਿਕਲੋ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਗੁਫਾ ਦਰਗਾ ਅੰਮਾ ਬਰਜਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕੋ ਸਗਿਆ ਹਈ ਸਦਕੇ ਬਲ ਹੋਈ
हक बनना हा मेंबर छोड़ देवा हा पर तेरे रोंदी अखी वेख के हो सकता है जिंदगी दी आखिरी मजलिस होवे कुर्बान वंजो मुश्किल तरीन दुआ जो होली जरा होवे अरमान इस गल दा हक बनदा हा पियो दी लाश ते पुत्रां दी लाश मुसाफिर समझ के दफन च करेंदे रोंदे क्यों आ मुस्लिम दा सर बाला अरे जे सदर दरवाजे ते लटका छोड़ा ने दोबारा मुहर्रम नु डीगर वेले मुस्लिम दिया दिया इस कूफा दे बाजार चाया एक तवा ना मिलाई फाए हथा दे एक गगड़ी लई वदिए आदि वदिए ओ बीबीओ तोड़े विच मुस्लिम दी धी हमीदा केड़ी है आज उदी एक अमानत लई वदिया अरमान से गल दे मुस्लिम दी धी गड्डी कोलिए बाबे द फाला ला चोला आज हम पर चौनी आई सुभान अल्लाह एडी मकबूल रूहानियत आने मजलिस इंजनो सो जमाने नु पता लग वंजे शिया नु कोई वड्डा नुकसान हो गई है शरीफ दिया उठे लावे अंदर जिथो नबदीन होवे कुर्बान वंजे यकीनन फूड़ी दीवार साहिब बह जाए कै मुल्क दा बादशाह कै मुल्क च वंजे सब तो पहले सफीर इस्तकबाल करेंगे जदा शहीदां दा लुट्टा होया काफला कूफा दे बाजार च है सदर दरवाजे तो आवाज आई अकबर दा बाबा अपने वकील दा सलाम होई अक्का खुलियां मेरे इमाम दिया मुस्लिम दे सर ते निगाह रुक गई है सारा काफला रुक गया है हौले हौले आवाज पई आंदी है पर चावड़ी होवी ओ पुत्रां दी तड़े बो ममनो नो साइन माता अरमानो सैयद बैठे हो मुस्लिम दी हसरत पढ़नी है सैयदा दी हसरत है मुस्लिम कोई गल की दी है या कोई ना वेखे मेरे बारे मुस्लिम दा अकबर दा बाबा इजाजत होवे एक गल मैं भी कर लवा हुसैन दा मुस्लिम का मुस्लिम दी अखा खुलियां अली दी अधियां ते सरा के बुरके कोई नहीं आदा अकबर दा बाबा क्यों आंदी है ज़ैनब बाजारों विच लहरा दे दिल ना चले मुस्लिम दे मुख लशा लवेंदी कोल सही गांदी ते ना रसिया पे मरहबा भला होई जवानी हमारे पुत्रा दी जिंदगी होई नियाज हुसैन जड़ी अख अज भी इबादत तो महरूम है फकत वेख मेरे पास मुस्लिम दिया धिया बाबे नाल कोई गल की है या कोई ना सर तले आके खर गई है अम्मा इजाजत दे बाबे नाल एक गल कर लवी है हाँ मेरी धिया सर तले आके आज खड़ी कोई खबर होवी साडिया वीर मुस्लिम दिया धीया बाबे नुके आदिया खड़िया ने कोई खबर होवी साडिया वीरां दी साडा बाबा ने ओ मर दरिया पे पर प्योहाले
अल्हम्दुलिल्लाह भला होई जे मेरा दिल चांदा है मेरे भाई दी साल दी मेहनत है भाईया हुक्म दिता है एक लोहा सुना शहजादियां दी गुरबत दा जे थकने गए थक गयो मिंबर छोड़ देना जे थकने गए कुर्बान वजा दुआ शहजादियां दी लाशां दरिया दे हवाले की दिया मुसाफिर समझ के दफन चे करे दे बिस्मिल्लाह मलंग साई के दे दरिया दे हवाले कीतियां दुआ शहजादियां दी लाशां दरिया दे हवाले कीतियां दुआ शहजादियां दे सार जदा दरबार चाहे दरबार चाहे उस वाले बेदीना दे ए चेहरे मैं अगे भी दिखिया है तुस झूठ बोलेंगे हो ए ओ चेहरे नहीं चौधरी दे चन वांगो नूर आए ना चेहरे ते ए नीले पीले दाग हैं मैं ना मनदा कोई है अली दशिया जेड़ा इना सारा नो घर च धुआ ले आवे एक 80 साल दा बुढ़ा अगा वदे झोली वदा के आदा है आओ अब्बास दे भरे जे दुआ शहजादे दे सर लेके ना अपने घर आया बीवी सामने आके आदे गोश्त ले आवणा आवी कोई कपड़ा ले वनिया बिस्मिल्लाह करा दे गोश्त नहीं ए मुस्लिम ने यतीम ए गोश्त नहीं ए अब्बा हां भाई वाह तेरा मातम कबूल होवे तेरे वास्ते हन फिरना कुर्बान होया जदा चेहरे नु गुस्ल दे के दरबार च दोवें सर ले आया बिस्मिल्लाह करा सर ले आया उस वेले शहजादियां इब्ने ज़ियाद नाल एक गल कीती है नियाज़ हुसैन वेख सो मेरे पास आखरी वैन शहजादे आदे ने आए इब्ने ज़ियाद हैरान नथी ते कु हाल दसे दिया सारे जड़ा मन दरिया ते नाल साडे अते जुलम कीता बदकार बन के हाथ ते नप के चोटियां पैसतमा चे मारे आदन ई वो सबब तो आए जालिम साडे नीले थे कौम जालिम ज़वार मुजाहिद अब्बास भुट्टा साहब फ़ज़ाइल मुसाहिब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे इनके बाद मुबल्लिग़ मज़हब हक़्क़ा मुअज़्ज़िन अज़ान विलायत क़िबला अलामा सईद अब्बास जाफरी साहब आफ काले की मंडी फ़ज़ाइल मुसाहिब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे तशरीफ़ लाते हैं ज़ाकिर अहले बैत जनाब मुजाहिद अब्बास भुट्टा साहब आओ जी बिस्मिल्लाह चल जाए दुआ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليم وحافظم وقائدم وناصرم ودليلم وعين حتى تسكنه ورزقا طول متمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد يا مولا يا سهل الزمان الأجل الأجل أدركني أدركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد مالك وارث زمان جلد ظهور فرما منتقم کربلا و شام نہ جلدی ضرور ہوئے سعادات دے ویڑے وسن اکڑی بین بھرا دپلو مدے خوشیاں دے حقدار گھرانے خوشیاں دیکھن اس باب دعا صدقہ مالک جتنے حاضر غیر حاضر مومن گناہ معاف فرما میرے بھائی دا سفر عذاب چھایا اپنی بارگاہ چ قبول فرما
قیامت خان دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما، سال دی محنت کاوش اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، تمام دعائیں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو۔ عبادت واسطے بہ گئے ہو کوشش کرو، جتنے بیٹھے ہو باواز بلند صلوات پڑھو سارے۔ واتی موتر کرو زبانہ کو نال صلوات دے، اللہم وستے رہو آباد رہو، میری سین تڑ تے راضی ہوئے۔ بہت سونا استقبال کیتے نے، ڈھیر سارا حصہ رات تو گزر گئے، پیارا بھرائے ڈھیر سارا حکم ہی حکم دی، تعمیل وعدہ وفا ہو گیا۔ اجازت ہوئے تو قصیدہ سناواں، تھوڑا ماحول ہن نیندر والا تھی چکے۔ اچھا بابا بسم اللہ، زندگی ہوئے، وستے رہو آباد رہو، ایک سلوات سارے اونچی آواز نال پڑھ دیو۔ اچھا بابا بسم اللہ، میں پڑھدا پیا سی، میں گھبراون والا ہاں ہی نہ، جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے ڈھیر سارے ہو۔ شہید محسن نقوی دے فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، تساں تھوڑے جے بولن والے بنائے، فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا۔ شہید فرماتے علی کے نام نے جرت دی وہ زیر لحاظ، میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا۔ کیا بات کیا بات ہے تہاڈی زندگی ہوئے۔ میں ایک قصیدہ علمہ والے شہن شادی عظمت دا پڑھنا چاہنا، سارے میرے سرکار دے نوکر بیٹھے ہو تے ڈھیر ساری عقیدت مومنہ دی ہون دی، او بسم اللہ، ڈھیر ساری عقیدت ہون دی مومنہ دی سرکار وفا نال، کوئی مشکل کام ہوئے تائیں مولا غازی پاک دے اللہ میٹھے میں دے نا بابا، تکھے گھوڑے والا جے کو چھڈیندے ہو تکھا سوار ساڈی مدد کو آ،
ਹੁਣ ਵੀ ਮਦਦ ਕੋ ਸਡੂ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪੋਸੋ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਲਮਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਤਨੀ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਸੁਰੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਕਸੀਦੇ ਸੁਣਵੇ ਸੀ ਤੋ ਮੈਂ ਅਕੀਦਤਨ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਲਵਾ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਂਡਾਂ ਲਾ ਉਤਰ ਡੇ ਉਤਰ ਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖੋਲੇ ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿੱਥਾਂ ਜਿੱਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਸ ਇਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬੋਲੋ ਰਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹਾਜ ਤੂੰ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਆ ਬਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਬਈ ਗਰਮੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਅਕੀਦਤ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਬਰੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਆਪਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਵੇ ਬਾਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੀਟ ਵਾਲੀ ਮਜਲਿਸ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਬਾਕੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਏ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਯੱਕੇ ਅੱਜ ਜਮਾ ਹੋਣ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆ ਤੁਝੇ ਬਦਲਾਉ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹੈ ਮੌਤ ਬੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਤੁਝੇ ਬਦਲਾਉ ਮੈਂ ਕਦਰ ਹੈ ਮੌਤ ਬੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਂ ਪਿਸੇ ਤੋ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਬ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਬਸ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ 12 ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੀ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾ 12 ਨਾਰੇ ਥੀਨਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਵੇਂ ਵਸਤੇ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਕਰਬਲਾ 9 ਲੱਖ ਇਕੱਠੇ ਥੀਵਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇਂਦਨ ਤਾਂ ਔਖਾ ਬੋਲੇਂਦਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਦਾਦ ਦੇਸੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋ ਦਾਦ ਹੋਸੀ ਜ਼ਾਕਰ ਕੋ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਦੁਆ ਦੇ ਤਾਲੇ ਬੈ ਬਾਬਾ 9 ਲੱਖ ਕਰਬਲਾ ਇਕੱਠੇ ਥੀਵਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਕਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆਸ ਫਰਮਾਵੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਏ ਥੇ ਕਹੋ ਬਲਾ ਮੈਂ ਸਭ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਲਈ ਇਤਨੇ ਸਾ ਤਾਇਆ ਥਲੇ ਗਏ ਇਤਨਾ ਲਸ਼ਕਰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਪਣਾ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦੇ ਅਸਾਂ ਮੋਮਿਨ ਮਵਾਲੀ ਦੇਖੂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਕਰਨੇ ਅਲਮ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਬਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਹੈਲੋ ਇਹ ਸਮ ਗਈ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ ਫਾਸਲਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਠੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜਿਆ ਜੀ ਓ ਹੁਣ ਜਾ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੁਨਾਫਿਕਾ ਦੇ ਬੈਜਾ ਮੁਨਾਫਿਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵੰਜਣਾ
क्यों नहीं मंजना शहरा दा क्या है उस गली से नहीं गुजरता जिस गली में अलम हो बोलो बोलो भाई इबादत है तुम्हारी उस गली से नहीं गुजरता जिस गली में अलम हो उठियो भाई जिंदगी होवे तुहाडी वसते रहो आबाद रहो उची आवाज नाल सलवात पढ़ो सारे मवाली लाला राजी है भला होवे तुहाडा एक बारी फिर भी इबादत च इजाफा करो आवाज़े बुलंद सलवात पढ़ो अल्लाह गवाए जड़ा
اللہ گواہ شامیاں کوئی ضعیف اور بینگڑا ملک شام کو ملکہ شام کولو آ کے بیٹھیاں بی بی اجڑ کے وطن دے ولی بینی بی بی ادیہا بھرا مرا کے ولی بینیاں میرے بھراد حکمیں چلو میں حکمی تعمیل بھی کر دیواں بی بی آدھی ہے 53 گھن کے یہ امترائے والی وینیاں میرے پاس دیکھیں 120 گھن یہ امبارہ والی وینیاں 84 آئے ہیں 9 یتیم والی وینیاں بار بار حکمیں برادہ ہوں بی بی دے وین سنا جن دی زندگی دھپن تے گزر گئی بس بھئی مختصر کراں پھرا گٹیب نیواں بارہ جڑیاں ولیاں نا پاویں 7 سالاں دی آئی پاویں 18 سالاں دی آئی ساریاں دے وال چٹے ہیں اجڑ کے ولیاں جتنے سید روندے بیٹھے ہو ہر کہیں دے بان دی اپنی ترتیب ہے جدہ شہزادہ علی اصغر دی ماں دھوکتے باندھی ہے نہ ہوں دے باہن دی کوئی عجیب ترتی بھئی دھوکتے باوے آ سیدادہ دو چھوٹیاں چھوٹیاں مزاراں بنا کے سجے کھبے مزاراں دے نشان بنا ویا ایک مزار تے نا لکھیا شہزادہ علی اصغر دا روجی مزار تے معصومہ بی بی دے نا لکھیا مزاراں تے ہاتھ رکھ کے آکھیا ماں سڑیں دی ودی وے ماں سڑن والی کوئی نہیں رومن لوگوں تے تہیر دا اجڑا ہویا ویڑا دوپاراں تے دی گئے ہر کوئی چھاں تے ول گئے لیکن شہزادے دی ماں دھوپ تے بیٹھی روندی ہے 72 دی ماتمدار تلیاں ٹیک کے اٹھی ہے سجاد باکر تے شاہ رونی گرمی ود گئی ہے جاں تیری ماں دھوپ تے بیٹھی روندی ہے آو منت کریں نے مت چھان تے آن دیئے جتنے سید روندے بیٹھے ہو لفظ تو آرے واسطے ایک لیا کھان 72 دی ماتم دار ٹوٹ گئی کولا کھڑیے امیر المومنین نیا پاک نوہ تا ساریاں روندیاں ہن لیکن واحد امراء القیس دی پاک بچڑی ہن جڑے روندے ہن مدینے نیا درو دیواراں حل میں نیا آن دا ڈٹھے ستلیاں ٹیک کے اٹھے کربلا دے پاس سے موں کر کے دیئے میرے سردار تیریاں بھینہ یہاں دیاں پہین تے میں تیرے نال وعدہ کر رہی ہیں جنہاں لفظوں کو سن کے رومنے رومن علیہ زادہ رو کھولا کھڑیے بر جائی پرندے گھونسلے میں دے چھڑینن تو ساتھ جہاں دھوکتے بیٹھے ہو بس خیر ہے رکھو جائے تسے دی مدلے سے میں تساتی کے پڑھ سا خیر کچھ نہیں رومن علی ازادہ رہوں میں صد کے تھی پو ماں رو کیا دیا کیویں دھوپ چھوڑا تیرے بھیرا نال وعدہ کر رہی ہیں کیویں ٹھنڈا پانی پی ماں میں نے 96 گھنٹے اندر تسا بچڑا جی باندھی گئی یہ تے وینی کریں دیئے لیے ہائیو میڈا تسا بچڑا ہائیو میڈا بولی نہ بولیں دا بچڑا ہیوی رومن بستے وین تیری حیرانی بستے میں نہیں پڑھتا پیا رومن لوگوں بی بی جو وین کی تے مدینے دی نگری حل گئی ہے اے ان بھرجے گوان دے نال لیس بی بی آدھیے جو کھان دے رہن دے نٹال وین دے ایڈے دکھے وین کی دے گھر گھر پے کا گھر تھوڑا میں کھولیں بھائی میں صدقے تھی وہاں
बीबी रो के आदिए मेरे डे तसई मैं आलिया थई वदिया एने वाह 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 ओ मैं घुमा तो घिरा दी आयो खा गई है वन थी साशाम अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग वाले हाथों ने बोल सकते रो रो के आधे बैठे दुसंबे जग सच फरमाया है आए पाक बतू बतू तोड़े पेके लखिया बात होवेल नहीं भूल दी अपनी वाह 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 इवेले तो अपने को बंदा नहीं रोना तोड़े पेके लखिया बात होवेल बीबी नहीं भूल दी अपनी अपनी शाही ओ तेरे वीर दे बखते च पेकियां दी मैं तवती हम ताग ताग ला अब ये रोंदी क्यों अदिया और बता नो अन्या सारे में तेरे मां की रत बद गई है माद कोल बह गए रो रो के आधा बैठे अम्मा मेरी मां को खाली न बनावे वैन सोने लगदन भाई वैन सोने लगदन तेरी लुड़दी हानि की कसम है बाबा जी बीबिया दी तू मेरी मां मैं तेरी मने नहीं आदे अम्मा मेरी माँ सोला जमीन दफन की दिए दिए मेरी माँ पिया दिए धूप तू ठोट छाद लग रो बीबिया दिए सजादा हर कोई तमे कुआ दे धूप तू ठीक छाद जोला बीबिया दिए ते को कोई क्यों नहीं आदा तू ही तला जरा तो रो गया वाह 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 बीबिया दिए मैं तेरी मने निया अच्छा नो करो रात की वे रोका नसी अमरी ओ बेवसी अखिया चुआ मैं कोई लगदे बाजार दे वेज मेरी माँ पाये इस इलाके आले अल्लाह गवाए हैं पासू सहारा सजा दिता है बुजुर्गा मैं पास हालिया सैन हाथ पकड़े अजा पहला कदम धुप दूजे छात पैर नहीं आया जब कर बला दे पास मुंह फिर गए हले हले आवाज पिया दिए मेरे सिया दे छते सादा वाल गई बीबिया दिए हाथ छुड़े लिया हया नहीं रहा बीबिया दिए छात वैलिया वादा पूरा नहीं होना जवानी मारे मेरे लाए ओले लेवाल पे आंदी मेरी कबर बनावे
सामने मुबल्लिग मज़हब हक्का मौलाना सईद अब्बास याफरी साहब आफ काले की मंडी और उनके बाद मलक साजिद हुसैन साजिद साहब के शिगिर्द खास उनकी खुशबू उनकी तस्वीर मलक अली नवाब साजिद साहब मेंबर पे तशरीफ फरमा है। 20 ज़िलहज को मजलिस इमाम हुसैन अलैहि सलातो वसलाम है चौकी सुखे की। मजलिस अज़ा ठीक सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी। सैयद ज़िशान हैदर नकवी साहब आफ शाहकोट, सैयद असद रज़ा बुखारी साहब आफ लाहौर, ज़ाकिर अले बैत ज़वार आबद हुसैन करबलाई, ज़ाकिर अले बैत जमशेद अब्बास जोया समेत काफ़ी ज़ाकरीन हैं। ठीक 3 बजे मुअज़्ज़िन अज़ान विलायत ख़तीब आले मोहम्मद सरमाया मिल्लत जाफ़रिया अंदलीब गुलस्तान सैयदा जनाब किबला मोहतरम सैयद गयूर साबर शाह साहब आफ बेल चौकी सुखे की 20 ज़िलहज को मोमिनीन से शिरकत की अपील है। शिरकत फरमा कर सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा दें और सवाबे दरैन हासिल करें और अपनी तकलीफ के मकसद को पूरा करें। मेंबर सुल्तान करबला पे आने का शर्फ हासिल करेंगे मुबल्लिग मज़हब हक्का मौलाना सईद अब्बास याफरी साहब, इनके बाद मलक अली नवाब साजिद साहब और उनके बाद ज़ाकिर अले बैत ज़वार रज़ा अब्बास याफरी साहब आफ कौलो तारड़ फजालुम साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। मेंबर पे आने का शर्फ हासिल करेंगे मौलाना सईद अब्बास याफरी साहब। अजमत हजरत अमीर अल मोमिनीन पे बावाज बुलंद तर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल मा सबक वल फातिहिल मंगल अल्मुअनिल्लाहक बिल्लाहक अबिल कासिम मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला अदाहिम व गासिब हकूकहिम व मुनकर फजाइलहिम व मसाइबहिम व वलायतहिम अजमाइन अम्मा बाद फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम फ़ाइनमा तवल्लो फसम्मा वजहुल्लाह मिलकर हज़रत अमीर अल मोमिनीन की अज़मत पे बावाज़ बुलंद तर सलावत। सादिक़े आले मोहम्मद का अरशाद ग्रामी है कि बुलंद सलावत पढ़ने से मुनाफ़िकत ख़त्म होती है, मिलकर बावाज़ बुलंद तर सलावत। दामने वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह एक बुढ़िया ने अपने नाम नबी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खरीदारी में लिखवाया था, सादात उज़ाम से बिलखसूस पीर मुर्शिद बाबा सैयद अली बादशाही साहब से दुआ खैरात हासिल करने के लिए हाज़िर खिदमत हूँ, जो कि खुशी तरह मेरे लिए और पूरे पंडाल के लिए बायस बरकत है, जो कि सादात वो वाहिद हस्ती है कि जिसके लिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है सलावत पढ़ लीजिएगा। सरकार इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अलीशान है, बेशक तुम पूरी दुनिया के फकीह ही क्यों ना हो, तुम्हारे सामने से यह ज़्यादा चंद लम्हों का क्यों ना हो, तुम पर वाजिब है खड़े होकर इसका एहतराम करना। इतनी बड़ी है फजीलत और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे दरमियान सादात उज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं। शुक्र गुज़ार हूँ आले मोहम्मद के खालिक के हजूर के जिसके नूर के एक हिस्से का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम अली। साहबान मार्फत पूरी तवज्जो से चंद लम्हों के लिए आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। नवाब आरफ हुसैन टंडू साहब का चंद अशार मेरे जहन में आ गए हैं तो मैं चाहता हूँ वो आप लोगों के गोश गुजार करूँ।
वो कहते हैं कि किबला पूरी तवज्जो, वो कहते हैं वली ने अपने हाथों से कितना अनोखा वली बनाया। मुर्शिद पूरी तवज्जो, वली ने अपने हाथों से कितना अनोखा वली बनाया, जैसे चाहते थे पैगंबर वैसा ही वली बनाया। ये देख देख के सोचते हैं आरिफ वो आप कैसा था जिसने अली बनाया। वो आप कैसा था जिसने अली बनाया। साहबान मार्फत सराकी जबान के एक शायर ने भी फजीलत अमीर उलमोमिन में चंद अशार लिखे हैं। वो कहता है अल्लाह कहता है नेकी कर जजा लिखसा। मुर्शिद पूरी तवज्जो, अल्लाह ने नेकी कर जजा लिखसा, नमाज दी बका लिखसा, पढ़न वाला जे कोई भी हो नमाजी दी हया लिखसा। अल्लाह दा तैना गवा मैं अल्लाह हाँ दूजा मुस्तफा लिखसा। लख साहब पूरी तवज्जो, अल्लाह दा तैना गवा मैं अल्लाह हाँ दूजा मुस्तफा लिखसा, अली जहंदा गवाह कोई नहीं तक्का बेज पढ़ गुनाह लिखसा। वाह वाह क्या बात, दुरूद पढ़ लीजिएगा। सहबान मार्फत सूरा अल बकरा आयत नंबर 115 में रब्बुल आलमीन अर्शाद फरमा रहा है फ़ैनमा तवल्लो फसम्मा वजहुल्ला है, तुम जिस तरह मुंह मोड़ोगे सामने वजहुल्ला नजर आएगा। तो इसी आयत के पेश नज़र सहाबा इकराम का मजमा है, मस्जिद नबवी है, सहाबा इकराम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा है, तो वहाँ पर ताकि बात नमाज से फारग होकर सहाबा इकराम इकट्ठे जमा है, तो सहाबा में से एक सहाबा ने कहा अली बादशाह ने मेरे घर में रोज़ अफ्तार किया, दूसरे ने कहा अली बादशाह ने मेरे घर में रोज़ अफ्तार किया, जब तीसरे ने कहा ना तो चौथा खड़ा हो गया, ना बड़े दलेर चोर हो तुम, दिन की सफ़ेद रोशनी में मस्जिद नबी में बैठ कर झूठ बोल रहे हो, अली बादशाह ने तो मेरे घर में रोज़ अफ्तार किया। बढ़ते बढ़ते 40 दावेदार हो गए, किबला ज़की साहब बढ़ते बढ़ते 40 दावेदार हो गए। अब मार कुटाई शुरू होने लगी, इधर जनाब सुलेमान उठे, जनाब सुलेमान ने कहा एक आधा झूठा होता तो मैं कह देता कि ये सच्चा है ये झूठा है, अब 40 के 40 तो झूठे नहीं हो सकते। साहब ने कहा तुम कैसे कह सकते हो, जनाब सुलेमान ने कहा मैं थोड़ी कह रहा हूँ अल्लाह कह रहा है कि क्यों जब भी कोई बोमन इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसके कफन पर शाहिदा बेईमान लिखकर 40 मोमिन दस्तखत करते हैं, जब तलकीन के बाद दफन होने के बाद जब वापस आ जाते हैं तो फिर मलाइका कब्र में आते हैं वो हिसाब किताब करना शुरू करते हैं, तो आवाज़ तौहीद आती है क्या करने लगे हो मालिक इसके गुनाह सवाब का हिसाब नहीं करना, तो आवाज़ तौहीद आती है मैं 40 मोमिनों की गवाही को मानूं या तुम्हारी तहरीर को मानूं। तो जनाब सुलेमान ने कहा मैं तो फिर भी सुलेमान हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद आका इनामदार सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुरूद पढ़ लीजिएगा। फिर भी दुरूद पढ़ लीजिएगा। अभी थोड़ी देर के बाद जनाब सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा होंगे, उनके सामने अपना मसला पेश करना और हल तलाश कर लेना। थोड़ी देर के बाद सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा हुए, सहाबा इकराम ने कहा मौला हमारी सहाबियत तो मशकूक होगी, इसने मुझे झूठा कह दिया, इसने मुझे झूठा कह दिया। सरकार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, सरकार ने फरमाया जिस वक्त से झगड़ा चल रहा है उस वक्त तो अली मेरे मेहमान थे। अब किसका कलेजा था वो सरकार के सामने कोई बात करता। अभी यही बहस चल रही थी उधर से जिब्राइल अमीन नाजल हुए, इन्नल्लाह युक्रिका सलाम, ऐ मेरा हबीब अल्लाह तुझ पर सलाम भेजता है, इन्ना कान आलियन ज़ैफ़न इंदना व इंदा मकामिल महमूद, जिस वक्त से झगड़ा चल रहा है उस वक्त तो अली मकाम महमूद पे हमारा मेहमान था। अभी यही बहस बढ़ी
कुनैन की आवाज आई, मालिक बाबा मुझे तेरी रिसालत की कसम है, जिस वक्त से जगह चल रहा है उस वक्त वाली घर से बाहर ही नहीं निकले। अब पूरे मजमे में मौत की जर्दी छा गई, पूरे लश्कर में पूरे मजमे में हलचल मच गई। कहा या रसूलल्लाह जल्दी जल्दी इस मसले को हल कीजिए। सरकार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सरकार ने फरमाया वो अली जो उसका हक है वो उसके पास था, वो अली जो मेरा वसी है वो मेरे पास था, वो अली जो जहरा का शौहर है वो जहरा के पास था, वो फजा में था, वो हवा में था, वो जन्नत अल मावा में था, जहां जहां खुदा था वहां वहां अली था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोमिनीन जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेहरबानी फरमाएं इमाम बारगाह में तशरीफ ले आए। बहुत प्यारी शख्सियत ज़ाकिर अहले बैत जनाब मलिक अली नवाब साजिद साहब फजल मुसैब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। मोमिनीन से जो बैर हैं उनसे गुजारिश है मेहरबानी फरमाएं सोफे अज़ा पे तशरीफ ले आए। बहुत प्यारी शख्सियत मलिक साजिद हुसैन साजिद साहब के शगिर्द खास, उनकी तस्वीर उनकी तासीर करी अल कसैद मुजद्दद अल कसैद फख्र ज़ाकरीन नवाब अली नवाब साजिद साहब जलवा फरोज मिम्बर होकर फजल मुसैब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। और इनके बाद ज़ाकिर अहले बैत ज़वार रजा अब्बास जाफरी साहब आफ कौल तारड़ वो फजल मुसैब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। नारे तकबीर बारू जाके लिया है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मिल्क नारे हैदरी, मिल्क नारे हैदरी। मेहरबानी करी थोड़ा जो आवाज खोल दी, अगे हुण तक नहीं खोलिया तो हुण खोल दी। मेहरबानी ज़ाकिर अहले बैत मलिक अली नवाब साजिद साहब दस्त दुआ बराए हुज्जत खुदा। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अल्लामा कुन वलीयकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़े साथ व फी कुल साथ मिन साथ अल नहार वलीयुम व हाफिज़ुम व काइदुम व नासिरुम व दलीलुम मानन अता तुस्किनहु अर्ज़कातान व तुमत्तिअहु फीहा तवीला या रब मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जल फ़रज आल मुहम्मद। या मुकल्लिब अल क़ुलूब वल अबसार या मुदब्बिर अल लैल वन नहार। मेरा पाक मालिक सदका मुहम्मद वाले मुहम्मद दे बानी मजलिस दा पुर खलूस है तमाम अपनी पाक बारगाह मंजूर ते कबूल फरमा। जितने अज़ादार शबीर सरदार दे इस मुकद्दस दरबार च बैठे हो मलका शान तुहाडा कदम कदम इबादत ते शुमार फरमाए। गुजारिश है कि हर इबादत का मकसद दुआ है, तो जिहड़ा बंदा इत्थे आ के मंगदे ही कुछ नहीं फिर आउण दा फायदा भी कोई नहीं। तो ज़ाकरां दा हक हुंदा तुहाडे हक की दुआ मंगण। जिहड़ा सफ ते आया बैठा है कायनात दा बादशाह कदम कदम इबादत शुमार फरमाए। वह जाई नगरियां वसदियां रहण जिथे मजलूमे करबला दा जिक्र हुंदा है। मेरे नहायत ही वाजिब अल एहतराम बानिए मजलिस जनाब राय अहमद खान करल साहब दे मौला इज्जत बख्त रिज़्क़ के इज़ाफा फरमाए। पुत्रा समेत भाइयों समेत मौला आबाद ते शाद रखे। ज़ाकरीन उज़ान दा पढ़िया मैं ना चीज़ दी ड्यूटी मलक शाम अपनी पाक बारगा च मंजूर ते कबूल फरमावे। लख करोड़ा की दुआ हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम दे चन अबरे करम शहनशाह मुल्क ज़मान वारस पंज तन उस बादशाह दा मालक जल ज़हूर फरमाया। सन गुनहगारा इस काबिल बना दे जो बादशाह दे मुबारक कदमा ते बोसा दे सकीए। जेड़ा जेड़ा बंदा चाहता इज्जत वधे रिजक वधे जवारी नसीब होवे वह बंदा खुले चेहरे नाल सलवात पढ़े। गुजारिश है वे कि बिल्कुल मुख्तसर जी हाजरी है।
ठीक है माहौल थोड़े सामने में तो वैल्ड होने वाला मैं जाकर भी नहीं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया तो थोड़ा इस टाइम तो इतने बह जाना भी बड़ी बहादरी की बात जिड्डी गर्मी है जिड्डा निज़ाम बनया मालक इमाम हुसैन बादशाह तुहाडा आया कबूल फरमावे कायनात दा बादशाह तुहानूं किसे कमीने दा मुहताज ना करे बिल्कुल मुख्तसर हाजरी चलो एक सलवात शबीर दी अज़मत ते पढ़ो बावाज़े बुलंदी खोल आवाज़ अल्ली इंज नहीं जितने बैठे हो मेरे आस्ते करोड़ बैठे हो एक उच्ची सलवात पढ़ो हाँ सले आला सारे अलहम सलामत रहो इमाम हुसैन तुम रिशन रंग लावे कायनात दा बादशाह तुम किसे कमीने दा मुहताज ना करे एक रुबाई एक शेर कसीदे दा ते दो बैन ते जाने या आईली ठीक है जी हुण तबीयत होवे तो सुनाइए जनाब नूं रुबाई जरा ठहर वंजो नहीं जा संगदे चाचू जी ये कौन पैंदा है ते किस नूं पैंदा है मैशर दा मैदान थोड़ा जे जागना है टोलियां दे टोले एक टोला है तो बड़ा ही भोला है भाईजान फरिश्तियां डक लिया उन्हें आख्या ना जी ना जन्नत च नहीं जाना उन्हें आख्या क्यों नहीं जाना उन्हें आख्या वलायत अली दे टोकन शाट ने तवज्जो है जनाब दी टोकन शाट ने उन्हें आख्या सामने वेखो ना वह टोला है या हुसैन की सदा बुलंदे सीने ते या हुसैन है ठीक है पेशानी ते सरकार दे नां दी रोशनी है तो वह जा रहे ने ते सन डकदे पए हो तो वजह है वह जा रहे ने ते सन डकदे पए हो पहलियां दो गल्लां च इन्हां दा जवाब है तो दूजियां दो गल्लां विच मातमी दी शान उन्हां दसी है तवज्जो है जनाब दी ओ जा रेल सानू क्यों डकदे पए हो फरिश्ता इहदे पासे वेखिया दिल जरा ठहर वंजो नहीं जा सकदे हां ते तुसां मुजरम हो सरकारी रायो दील जहरा फेरी कर दे इत्थे नहीं चलनी हुशिया सलामत और नारे तो पाबंदी है या उन्हें चुप की थी बैठे हो या इली मुश्किल कुशा इली जिंदा सलामत रहो कहना आदा बहुत शैतान किसी कमीने का मोहताज ना करे
एक रुबाई जनाब नो और सुनावीए, परेशान तो ना हो गए, हूँ जाकर मेरे पिछे आ जाना तो मैं छड़ देना। हाँ जी जाकर साहब आ जाएंगे तो मैं छड़ देंगा, तुसा परेशान उन्ना चिर नहीं होना। पढ़िए एक रुबाई, रुबाई जनाब नू एक सुनान लगा। चाचा जी जिंदा बंदे नू कफन पवा के ते मेरे मौला को ले आया। देख क्या दिन मौला साडा बंदा मर गया, इसका जनाजा पढ़ाओ। तवज्जो है जनाब दी, मौला साडा बंदा मर गया इंदा जनाजा पढ़ाओ। लाजपाल फरमाया इंदा प्यो कौन है? एक शोखा जगह वाद किया था जी मैं। लाजपाल फरमाया मैं हकीकी दा पूछे है। सलमान कदमा ते हाथ ला के दा बचड़े जी नहीं इंदा प्यो हुंदा ते इस ते इन जमाना आया। जेड़ा अली दा मुनकर होवे, जेड़ा अली दी अजमैश करे, उंदा प्यो छतियां जिले है कोई नहीं हुंदा। मौला मैं मेरे उस्तादा दे दर्जात बुलंद होण। चाचा जी उन्हें आख्या तारीख दा पहला मुर्दा है जिस कफन भी आप पाया, नक्के च रूह भी आप दिता है, कन्ने च रूह भी आप दिता है, 0 मीटर मुर्दा बन के अली सरदार दे सामने आ रहा। तो वजह है जनाब दी, एक सलवात पढ़ो शबीर दी जात ते। जिंदा सलामत रहो। लो जी मैं मालक तुहाडी जिंदगी करन, युवा हुसैन तुहानूं सलामत रखन, घर ही साडा ये उन्होंने वंड सी। उन्हें चलो भाई अमन खां आख्या भी वह साडे मेहमान जाकर ने, तो जरा उन्होंने जल्दी है तुसी बाद च पढ़ लिया जे। तो हुण गल ये वे भाई अपने भी सुनना जिहड़ा सुआद है, हैं ते लाजपाल फरमाया पढ़ा छड़िए इंज ना आंदे ने मौला साडा बंदा मर गया दा जनाजा पढ़ाओ। तो सलेमान ए इंज इंज सलेमान वेदा पे अलीर बादशाह वेख के आदि ने पढ़ा छड़िए आदा इंज दा पढ़ाओ मैं शरताई ना उठे। मौला पढ़ाया जनाजा, मर गया मरदूद ना फातिया ना दरूद। इन्हें हूँ जी तजवीज बनाई है बस खंगूरा मारना तो तू उठ बना, असा पैर की ठोकर मारनी तो तू उठ बना बह जान। कोई की पैर की ठोकर मारी उन्हें आख्या उठ बो अली सरदार जाते पे ने, किसी खंगूरा मारिया उठ बो अली पे जाते हैं। सलेमान कोल खलोता भाई समर जी सलेमान गल की है, उठ बो अली पे जाते, उठ बो अली पे जाते। सलेमान इन्हों के पास वे क्या दई को छेड़ो ए मर गया है। हाँ ते इंदा जग ते बचन मुहाले, हशर तोड़ी नहीं उठ सकदा ओ पिया आदा है। मैं अपनी ड्यूटी जिहड़ी है ना, मेरे अपनी जिंदगी दा मिशन है, बंदे थोड़े होण सुनण वाले दो होण ते लखां तो चंगे हुंदे ने, ते खलूस नीयत नाल ड्यूटी दे दईए। ठीक है, खूने जिगर ला के तुहानू रुबाई सुनानी है, ते बंदे जलसियां च वी इंज नहीं पढ़दे जिहड़ी मैं तुहानू सुनानी, ते तुहाडे कोलों दुआ लैणी है। ए ते वेखणे ही ने ना मजमा कितने, मजमा लखां दा। अच्छा ओ भाई जन सामने आ गया प्यो, ए इंज हथ बन के आदा मौला मेरा पुत्र आ। लाजपाल फरमाया पहलो कोई ना ही पता, ओए इन्ना कूड़ियां दे आखे लग के मैं नजमाई, मौला कोई होने दा चांस है जो ये उठ पौसी कोई चांस। लो जी सर चाणा
दसना चाहना जो अली सरदार केड़ी केड़ी चीज ते खाते रहे तो वजो है मेरे पासे मौला कोई इंदा चांस लाजपाल फरमाया तू बाद च रबता कीता है ना तेन पता कोई नहीं इंदा जनाजा अली पढ़ाया है मौला कोई चांस सुनाइए ना भाई मौला कोई चांस कहना दबाचा मलून दिया के चाक पाके अदले तहजद की थी ऐसा पार छड़ आए हाँ ते तेनु क्या मिल आए अजमा के होड़ चुप कर वांझ क्यों रोंदा है और तोड़े पुत्र जवान मरा के सैयद कसीदा पढ़िए जनाब लो जी आओ भी कसीदा पढ़िए कसीदा तुहान सुनान लगा सखी इमाम हुसैन बादशाह दी अजमत दा इमाम हुसैन बादशाह दी अजमत दा कसीदा है मैं अगे भी गुजारिश की तुहाडा इस टाइम बह जाने बड़ी वड्डी बात आजादार की कीमत है दूजे बंदे दी नहीं किन्ने जाकर पड़ गए तो तुसी डट के बैठे हो तो जाकरां नूं दो एक अद्धा घंटा च बाईए ना तू आंदे भाई साई मैं ना पढ़सा एवें गल है ये आजादार की कीमत बाबा गुरु नानक अपने मुरीदां दे विच खलो के बह के ते जिक्र पकड़ते ने सखी इमाम हुसैन बादशाह दा ओ पिछों एक उठिया चेला ए इंज हत्थ बन के आदा बाबा जी ना अल्लाह दा जिक्र ना सोने नबी दा जिक्र ये इमाम हुसैन दा जिक्र पकड़ते हो गल तुहाडे बच्चे बच्चे नूं याद है बाबे राख्या चलो आ तैन थोड़ा जिहा मैं समझा दिना बाबे राख्या घर लगा जा मां है ही जी है बाबे आके जा उन्दे नाल शादी कर ले तली वांट भी गल नहीं तारीख दा वर्क पढ़दा पिया चाचा जी शादी कर ले आदा नहीं जी नहीं किवें दीआं गल्लां पै करदे हो उन्हां का थोड़ा जिहा करीब कर लो बेटी नाल कर ले अमशीरा नाल कर ले इंज हत्थ बन के आदा बाबा जी केड़ा मेरे तो कैर करवाण लगे हो बाबे रे आदे ने कौन ना करदा आदा तुहानू पता कोई नहीं मेरा जमीर इजाजत नहीं देंदा बाबा जी दे पासे वे के आदा तैनू पता कोई नहीं ना इस जमीर दा नाम हुसैन है बाबा आदा अच्छा जी बिस्मिल्ला तुसी इमाम हुसैन दा जिक्र करो एवें गल है जी तुसी इत्थे हुण गल रोक के कर जावां जदों बाबे दी दुनिया तो परदा कीता ना फौत होया ते हिंदू गए उन्हें आख्या असा साड़ना है ते जाके मंजी तो चाचा जी वेख्या ते बाबे दी उत्ते कोई ना है बाबे दी कबर बोल के आख्या हो सकया दुनिया ते मन्ना हुसैन नूं ते दुनिया ते मैं जल जावां ये कित्थों दा कानून है हुसैन नूं मन्ना ते सड़ जावां ये नहीं हो सकदा उन्हें आख्या मैं तैनूं दसां हुसैन किस इज्जत का नाम है किस तकीर के बादशाह का नाम है हुसैन किस इज्जत का मालिक है किस शान का मालिक है तुसी सलवाद पढ़ो तो मैं जनाब नूं कसीदा सुनावां बाबा दे ओ रब दी सोमक रोज जहान हुसैन दाहे समझ आवे तो बोलना जरूर है जी इस गल शक नहीं ते सारे बोलो हैदरी ओ रब दी सोमक रोज जहान हुसैन दाहे हाँ रब दी सोमक रोज जहान हुसैन दाहे रब दी सोमक ऐ जिहड़ी डबल आवाज होंदी है ना ये नहीं आनी चाहिए ताकि इन्हां नूं भी समझ आ जाए ठीक है थोड़ी जी इक्को इंदी घटा दे
बाबे रियादा हो रब दी सौमके रोज जहान हुसैन मुश्किल खुशहाली जिंदा सलामत रहो। लोग बकवास कर दें जो करबला दी जंग दू शहजादियां दी जंग आई ना ना आ तेन दसा हुसैन कौन है हुसैन किस इज्जत दा मालिक है के शान दा मालिक है सर चना ते गल करी पैना मम्मे नून हुसैन दा रब है करके बोलो हैदरी दूजा नारा हैदरी त्रीजा नारा हैदरी मम्मे नून हुसैन दा रब है इंदा आली हसन सब है मम्मे नून हुसैन रब है हसन सब है बात है जिंदा सलामत रहो। अगला शेर जेड़े शेर आस्ते कसीदा शुरू कीता है एक हुसैन बादशाह दा मंतादार एक उनका रिश्तेदार मुनाफक ए मुनाफक पूछया चाचा जी बै ए दस हुसैन नु मनन दा तेन फायदा की होया है तेन लब्बा की है हुसैन नु मन के तेन लब्बा की है आदा आ मेरे नाल इंदा बाजू नप के अपने घर ले आया अपनी हवेली च ले आया इशारा करके दस्योस आदा हुण पुछ आदा ए दसा तेन हुसैन नु मनन दा तेन फायदा की होया है मलंग मेरे मुर्शिद अली दा मलों दी अख चप्पा कहदा आ तेन दसा सुन शान हुसैन दी की है ओ मायो भैण तधी बंदा है ना सुनने वाला मैं बिस्मिल्लाह करा मैं सदके सदके जावा इंदे पास वेख्या दा सुन शान हुसैन दिकी जिंदा सलामत रहो। एक कसीदा एक और पढ़िए जी है जी नवा एक कसीदा लिखे है भाई समर ते एक कसीदा जनाब नूं सुनाना है तो तुहाडे कोल दुआ लेनी अपने घर सुनाइए ना पास घरों हो जाए ना तो फिर अगे लैन जाने थे इमाम हुसैन बादशाह जाने तो भाई यार कितने गए उन्होंने बुलाओ उन्होंने आखो आ जाओ हूँ मैं किन्ने कु कसीदे पढ़ने रात का टाइम है ना तो फिर जरा और मेहनत को नहीं मैं सरगी ती खलोते रहना क्यों जी चाचा जी हाँ कसीदा पढ़िए जनाब बंदे कमियाँ पीछे टुर पे इंजी है
ते पीर इन्हां बादशाह नूं मनना चाहीदा है जिन्ना इत्थे भी कम आउणा है ते माशर वाले दिहाड़े भी कम आउणा है। चाचा जी पीर ते ओह होना चाहीदा ना जिहड़ा माशर वाले दिहाड़े आके फरिश्तो छड्ड दिओ ए मेरा नौकर है, इंज दा ना ना होवे बस ओह ते पीरां लभदे फिरीए ओह सानूं लभदे। सादे क्याले मुहम्मद ते किसे बंदे सवाल कीता ना लामस मौला अल्लाह कुरान ने फरमाया कि माशर वाले दिहाड़े पीर मुरीदां ते मुरीद पीरां ते लानत करसन, पीर मुरीदां ते मुरीद पीरां ते लानत करसन। तो केड़े पीर ने? सादे क्याले मुहम्मद फरमाया वो पीर हैं जो जहरा के बेटों को पीर नहीं मानते। हाँ जी लो जी एक सलाह देन लगा, एक मशवरा देन लगा, कसीदा बिल्कुल नवा है ते तुहाडे कोलों दुआ लेनी है। एक सलवार शबीर दी अजमत पढ़ो मैं जनाब लोग कसीदा सुनो। हाँ मन ल मेरी सलाह वे रौला ला तू पा छड़ दे कमियां कारां तों दर सही दां दया मन ल मेरी सलाह। बोलो जेड़े बोल सकदे हो इसलिए हाथ बुलंद करके बोलो है मेरी सलाह रौला ला तू पा छड़ दे कमियां कारण तो दर सही दा दया मन ल मेरी सलाह। वजो कर तो वजो एक सलवात पढ़ो शबीर दी अजमत पे बिस्मिल्लाह करिए मैं बिस्मिल्लाह करा इतनी पैतन में वहां सवाला किनारा है दरी बिस्मिल्लाह भाई तुहाडे इंतजार आ अल्लाह इज्जत दे मेरे वड्डे भाई जनाबे रजा अब्बास जाफरी साहब इमाम हुसैन बादशाह इन्हां दा साया सलामत रखे। लो जी कसीदा पढ़िए हुण अगों शेर पढ़िए मन ल मेरी सलाह वे रौला ला तू पा छड़ दे कमियां कारां नूं तू दर सही दा दया मन ल रिश्तेदारां मौला आबाद ते शाद रखे। साढ़े भाई ने इन्हां दी बड़ी मेहनत है पूरे साल ये मजलस हुंदी है ते मालक इन्हां दी जिंदगी दराज करे। होर नूं पुछियो ने बे किदे चलना है अपने खैमे चूठिया किदे चलना है आधा फना नु छड़ के बका दे पासे तवज्जो करे है बेहया नु छड़ के हया दे काबे दे पासे दोजक नु छड़ के जन्नत दे मालक दे पासे यजीद नु छड़ के शबीर दे पासे। वापस आया आधे ने लब्बा किया एडसा लब्बा किया एडसा लब्बा किया और कोमेश किया दे पासे वे क्या दे पुत्र बतूल दे करम कमाया इंज दा है रंग लाया दोज खचा के हां नल लाके जल्लत जा अपड़ाया हुण मते अच्छा जी लो जी एक शेर सुन लो ते दो बंद सुन लो ते जाने या अली इमाम हुसैन तुन सलाम ना ना
कसीदा चलो एक फर्द सांगे जनाब में सुनाने सुनया तुसा मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमा दी छां होवे ते जेड़े मेरे उस्तादा कसीदा मुतारफ कराया भाई जान दा हुक्म है हुक्म दी तमील है एक फर्द सानी जनाब नूं मैं सुना देना एक सलवात पढ़ो शबीर सरदार दी अज़मत ओ अदे सीने उत्ते लिखिया मेरे मौला थोड़ा जा बोलना सीने उत्ते लिखिया ओ मेरे मौला दा नाम होवे हो जंद सीने उत्ते लिखिया मेरे मौला दा नाम हो जंद सीने उत्ते कसीदा है वो मेरी अपनी मर्जी है उनकी तुहानू फर्दे सानी मैं जरूर सुना सोशल मीडिया से एक कुत्ता भौंकिया सईदा नू ते दुआ मंगो बस साईं इनकी भौंक बंद कर देना ते हो जाए जी इमामे जमाना बादशाह दी शान ने गुस्ताखी की ते पाक बीबी मखदूमा नरजे सैन खतून मौला इस नूं गर्क करे कसीदा बंदे आंदे ने भी जिहड़े तुसीं शीए हो ये जन्नत तुसीं वैणे ते माशर वाले दिहाड़े तुहानूं अल्लाह कोलों कौन बचावेगा वजह है जनाब दी माशर वाले दिहाड़े ये मैं गिफ्ट जनाब नूं आई देण लगा माशर वाले दिहाड़े पाजी अल्लाह कोलों तुहानु कौन बचावेगा जिहड़े तुसीं शीए हो मैं जिहड़ा जवाब दिता सुनावां जनाब नूं कसीदा लो सलवात पढ़ो ते मैं जनाब नूं कसीदा सुनावां अल्लाह कोलों कौन बचाएगा ते जिहड़ा जवाब दिता है ज़की साहब मैं कह सानू गाज़ी बचा लैणा सानू गाज़ी बचा लैणा ओ सानू गाज़ी बचा लैणा सानू गाज़ी बचा लैणा जिन्ना दा मुकम्मल यकीन है अगले पिछले रल के बोलो है नरी सानू गाज़ी बचा लैणा ओ सानू गाज़ी बचा लैणा हां सानू गाज़ी बचा माशर वाले दिहाड़े अल्लाह किवें माफ कर सी उन्हें आख्या वेखो ना साडे कोल नमाजा रोजे हाई जकातां ते तुहाडे कोल आजादारी इमाम हुसैन अलैहि सलाम अल्लाह कोलों तुहानूं माफ़ी किवें मिल सी माशर वाले दिहाड़े मैं आख्या एडा वड्डा वास्ता दसण लगा अल्लाह भी रद्द नहीं कर सकदा उस आख्या केड़ा इहदी अक्क जक बा के आख्या सानू गाज़ी बचा लैणा सानू गाज़ी भाई जान अल्लाह किवें माफ़ी दे सी माशर वाले दिहाड़े अल्लाह किवें माफ़ी दे सी मैं आख्या आ मेरे आले पासे वेख ते
सदके जावा नफसा नफसी दा आलम उसी माशर दा दिहाड़ा उसी मैं दसना जिन्ना आलम सरकार दे लाए ने नीरा इत्थे नहीं इन्ना काम देना इन्ना किथे किथे काम देना आ कह किवें बसे नफसा नफसी दा आलम उसी ते ओथे की करसो गर्मी बड़ी उसी मैं कह सानू गाजी बचा लैणे सानू गाजी बचा लैणे जेड़े आलम वाले दे नौकर सर जाना माशर वाले दिहाड़े गर्मी बड़ी होसी नफसा नफसी दा आलम होसी ओथे की करसो सदके जावा मैं बिस्मिल्लाह करा सारे ना प्रोग्राम जिन्हों का प्रोग्राम है हाथ बुलंद करो हैदरी सानू गाली बचा जिंदा सलामत रहो काफी टाइम हो गया एक या डेढ़ बहन ते तालबे दुआ मेरे तो बाद भी मैं ही पढ़ना मेरे वड्डे भाई बुजुर्गों की जात है मौला साया सलामत रख चाचा जी सफर थक पाए मुसाफर ना थके मैं बिस्मिल्लाह कर सफर थक पै जेड़े रोवण की नीयत आए बैठे जो वतन बह के बेवतन रोवीए फजैल जिमें दिल होगी कदी आखी नहीं झिड़क ही नहीं दी फजैल जिमें दिल होगी उज सुनिया कर मसैब गरीब बन के सुनिया कर यह हसरत अली बादशाह दियां पाक दियां दी सफर थक पै मुसाफर ना थके बेजान राह थक पै राई ना थके जिंदान थक पै कैदी ना थके जुलम की हद मुक गई कड़िया थक पे कौम लाले ना थके मैं सदके जावा अल्लाह तुहाड़ियां धीआं दे परदे सलामत रखे इमाम हुसैन पन किसे कमीने दा मुहताज ना करे शाम दे अमन निभा के वतन ते ओ वलिया जाए जींदे ना ही वलना इयो मेरी तमहीद आई एक या डेढ़ बैन सुन आला पे छुट्टी छुट्टी कैद सजा दे मारना मैं सुखी
जी मैं नौकर हां मैं हजार बारी पढ़ा जी मैं नौकर हां आला पिया छुट्टी कैद सजा दिते बाकर दी ओ बहु मुद्दत तवी चमके वाल फिरा दे बीबिया दिए तेरा सर चाया तू जो आदा हमें मैनू समझे आखरी बैण तालबे दुआ एक हांजा आ जावे एक होर आ जावे तेरी मेरी बख्शिश दा वसील इज्जत आलियों बेदीन तख्त आया आके आदा सदो सजाद नू सिपाही आया इवें कड़ियां हिला के आदा जाग सैयदा दा मयूम मिलदा जागदा जड़ा इलान होया लह गया अब्बास ते लुट लो आलिया दा बुरका बिस्मिल्लाह करा शर्मा करो ला पे ना जी मैं नौकर हां हजार बारी पढ़ा आदा तन यजीद दरबार बुलाया सैयद उच्चारण ने फिर के आदा मैं उस वेले दा जागदा जड़ा इलान लह गया अब्बास ते ला दियो खैमियां नु भा आयो मैं सदके जावा सैयदा दा तो जुल्म संगती जगे ना इवें पुत्र दा मत्था चुम के आदा लाल जाग मैं पेशी ते वजने सैयद उठी बैठे प्यो दे हाथ चुम के आदा बाबा कहना ते नजर मार एक कैदी भी खा जंदी अद रात ले पेशी हुंदी होवे उस वेले बाकर दा प्यो आदा ओ बाकर जिन्ना दा रह कोई ना गया होवे उन्हां दीयां पेशियां दे टाइम नहीं हुंदे मेरी कतार चाचियां दी मारी ने मेरा अकबर दिया सोना वीर जीन तो लहाया ने मेरे कासम दी लाश ते घोड़े बजाए ने सैयद आदा मेरे भीरा नाल ओ जुलम कीता ने ओ तीर मारिया ने जिहड़ा जंगले घोड़िया नूं मारिया वेंदा ओ तां बोली भी नहीं बोल सकदा आए मैं सदके जावा मैं बिस्मिल्ला करा ओ तां बोली भी नहीं बोल सकदा इवें टुर आया बेदीना दा सजाद आई तो बाद तेरियां कैदा रहा ने एथे रहो तेरी मर्जी वतन ते जुल तेरी मर्जी मैं ना पता जो मेरे शुगल है तेरा वेड़ा बर्बाद हो जाने भाई जान शुगल दा नाम आया है अखां वसियां ने बाकर दे प्यूनियां ते रो क्या दिल तेरे शुगल च चहलियां वेड़ियां दा ओ गिए बन विच ढल इकबाल मेरी 120 मस्तूर मोई तेरी फौज दे चाबका आखरी वैन छुट गईयां सकैदां मिल गए इस महमल आखरी वैन मैं बिस्मिल्ला करा मैं सदके जावा मैं बिस्मिल्ला करा मैं बिस्मिल्ला करा मैं सदके जावा मैं हजार बारी पढ़ा एक मैं बंद पढ़ना है इंदे वास्ते मेहनत कीती करा माफी मांग के भाई जान छुट गईयां कैदां मिल गए महमल इवें शाम दे बारो आके रुके मेरा इमाम रोके आदन फूफी अम्मा दो रावेंदन एक करबला तो मदीने एक सीधा मदीने केड़े रात वजने पिछले मामल चबड़ी कू का ये असरात चल वे बाकर जीवी जिथे मेरी मसूमा दी कबरे आयो मैं सदके जावा मैं बिस्मिल्ला करा इवें टुर आया कब्रस्ताने गरीबां दे बहरो आया गौर कुल कुल पुछया यार बड़े दिहाड़े गुजरे निथे मैं अपनी बहन नु दफनाया कोई कब्र दा निशान नहीं ते डसा गौर कुलना दा अज केड़ी रात सैयदा दा जुमे रात दी रात उस वेले गौर कुलना दा जेड़ी कब्र ते दीवा नहीं उहो तेरी दर्दा मोई बहन दी कब्र ऐ इने तले इने झिकियां जाई गुलेंदा हुंदा ते यकदम आवाज आई ए छुट गईयां नी आयो मैं सदके जावा मैं बिस्मिल्ला करा फिर मैं बिस्मिल्ला करा दिन छुट गईयां नी रोक्या दिन लहयो
मिल गई है कबर इज्जत आलो पहले मामल घोड़ियां लाइया परदादार लथे ने दूजे मामल घोड़ियां लाइया परदादार लथे ने ओ मांझ वाले आजो तीजे मामल घोड़ियां नाल लाइया जो रुबाब इंज लथी है जीवे मन दरिया ते अबास बाजू कलम करा के लथाई इज्जत आलो इवें छिटिया जाई गुलंदी हुंदी है ते मेरी सैण दी आवाज ये सकीना कन्ना दा के हाल तड़पी है मेरी सैण ते रोकिया दी अम्मा मेरे कन्न दुख दे सजा सरकार ने कई शह जे भी जो कटी में भेण दी कबर ते रखी है उच्चा वैण करके रोकिया दा सैया दादा तेरा गुरमुख मार तो ओ घिन आया मेरे दर्दा दी गम खारे उठी मिल खिल उजड़िया संगतियां नो हिरनी वतन दे चोले असगर दे मेरी कबर दे बेच दफे बीबी आदि मैनू फिरा दिता सिखा गई बीबी आदि बाकर दे लखो नहीं भाई असगर दा चोला ही मिले राम की आखिरी शख्सियत दुआया कर की तरह करियल कसायद का सगम और कैदर मुफसर मुसाहिब आले मोहम्मद जवार रजा अब्बास जाफरी साहब ऑफ कॉल उतारट फजल मुसाहिब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे दुआ है जिक्र पाक के सदके मालिक सैयद अजमत अब्बास हमदानी साहब के दर्जात बुलंद फरमाएं और मोहम्मद खान खरल साहब के मालिक दर्जात बुलंद फरमाएं आज के इस प्रोग्राम की आखिरी शख्सियत दुआ आखिर की तरह कारियल कसायद मुजद्दद अल कसायद फख्र ज़ाकरीन ज़वार रज़ा अब्बास जाफरी साहब आफ कौल उतार बिस्मिल्लाह भैया इल्तमास दुआ बराए हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा कुल वली कल हुज्जत इब्न अल हसन صلواتك علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ مشاد اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ عرضک طولا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد صلی علی محمد وآل محمد یا شباب الحسین علیہ السلام یا حجاب ام المصائب سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا ہے کہ پاک اللہ بانیان مجلس میرے بھائی دی صفے عذاب چھائی خرچ خراجات لنگر نیاز بادشاہ حسین علی پاک ماں اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے رات دا کافی وقت گزر گیا مالک تو ڈیک کے قدم ایک ایک لمحہ عبادت شمار فرمائے خصوصی دعا ہے بادشاہ دے پاک ذکر دا صدقہ سید عظمت عباس حمدانی دے مالک درجہ بلند فرمائے بانیاں نے مجلس جڑی اپنے آپ وچ کوئی کمی محسوس کر دین بادشاہ شبیر دے ذکر دا صدقہ مالک اس کمی نوں پورا فرمانا بستی والیاں نے آبادی والیاں نے سخی شبیر دے ذکر واسطے کسی قسم دی کوئی خدمت کیتی ہے مالک اللہ آل محمد دے ذکر دا صدقہ اس نوں اجر عظیم عطا فرمانا مالک تہاڈی میری نوکری اپنی بارگاہ وچ مستجاب فرمانا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد آل محمد دے دشمن تے لعنت بے شمار ملکہ عالمین سین دے دشمن تے لعنت بے شمار سارے حضرات جڑے تشریف فرماؤ مل کے مخدومہ دی عظمت تے با جماعت صلوات دی کوشش کرو اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد
رات تک کافی وقت گزر گیا ہے، دعا واسطے حاضر ہو گیا. تنہا نبی کے علم کی وارث بطول تھی، تنہا نبی کے علم کی وارث بطول تھی، پردہ نشین نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی. پھر دعا ہے پاک سیدہ دے نام دا صدقہ، مالک تہاڈا ایک ایک قدم ایک ایک لمحہ مالک عبادت و شمار. ایک شیر قصیدے دا، اس دے بعد ایک وین طالب دعا، جڑے تشریف فرماؤ صلوات مل کے پڑھ لو. بہ آواز بولا نہیں تسی زیادہ محسوس کر گئے ہو، کافی حضرات تشریف فرماؤ صلوات بہ آواز بلند پڑھن دی کوشش کرو. اللہم بہت سادہ جہ قصیدہ جی، پنجابی زبان دا قصیدہ، ایک صلاح ایک مشورہ، تے مشورہ میں جناب نو قصیدے دے رنگے دیون لگا. میں پہلے آکھیا دعا واسطے حاضر ہو گیا، کھڑا ہو گیا، تے زیادہ وقت نہیں پڑھنا. تسی ایک صلوات پڑھو کوشش کر کے با جماعت پڑھن دی، تے میں قصیدہ شروع کر دینا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک نعرہ بھی ہوئے کھلے دل نال نجف والی دے نام دے. بھائی جان ایک صلاح ہے ایک مشورہ ہے، قصیدے دے رنگ وچ پنجابی زبان دا بہت سادہ جہا قصیدہ. دل چ تیرے جے کربلا کوئی نہیں، 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 دل چ تیرے جے کربلا کوئی نہیں. جڑے تشریف فرماؤ سانی ایسی تلاوت کرن لگا، تسا جڑے تشریف فرماؤ مزادارا دے ہاں ٹھر جا سا. دل چ تیرے جے کربلا کوئی نہیں، 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 دل چ تیرے کوئی نہیں، دل چ تیرے کربلا کوئی نہیں. تینوں کعبے تینوں کعبے تینوں کعبے تو پھر حیا کوئی نہیں. بسم اللہ کراں تساں جیو تہاڈے بچڑے جیویں مجلس دے وارث تو رٹور آیا قبول فرماویں. دل چ تیرے جے کربلا کوئی نہیں، تینوں کعبے دا پھر حیا کوئی نہیں. بے شک نماز پڑھ روزہ رکھ، نماز دی نفی نہیں کردا پیا، نماز افضل عبادت ہے. شاعری مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب نے لکھے ہے، مجلس میں آئیے پر اتنا رہے خیال، مجلس میں آئیے اور اتنا رہے خیال، مسجد کرے نہ آپ کا شکوہ حسین سے. نماز دی نفی نہیں، مگر آ میرا ویر جڑا دشمن علی ہے اس نال گل پیا کرداں، بے شک نماز پڑھ روزہ رکھ حج کر، حج کریں دا اتھائی مر ونج. تے آ میں تینوں دساں شیر پڑھ لگا جڑے جڑے جا تشریف فرماؤ، توجہ میرے پاسے. بغضی رکھ کے مر جا سجدے چیک کسی لا کوئی نہیں. آبا
आबाद रहो आबाद रहो। एक शेर होर तिलावत कर लगा। कई लोग याद हैं जो सरकार हजरत इमरान कलमा नहीं पढ़िया। आ मेरा वीर तेनू पता ही कोई नहीं कलमा उस ते इतराज करदे नहीं पढ़िया उस हस्ती नहीं पढ़िया जै नबियां दे सुल्तान दा निकाह पढ़िया। आ मेरा वीर जेडे लोग याद हैं जनाबे हजरत इमरान कलमा नहीं पढ़िया उन्हां बंदियां नाल गल करदा पिया शेर पढ़दा पिया तवज्जो मेरे पास है रहो बसते रहो। लो एक शेर मैं आजादार देश मकाम हुसैन बादशाह दे मातमी दी शान च पढ़न लगा। जेड़े हुण तक बादशाह हुसैन दे जिक्र वास्ते मिट्टी ते बैठे हुए मातमी ते आजादार दा मकाम की है तवज्जो है। आजादार दा मातमी दा मकाम दसन लगा शब्बीर बादशाह दा जिक्र सुनन वाले रात दे इस वक्त इहो जे माहौल च जेडे हुसैन सखी दा जिक्र सुनदे ने उन्हां मातमियां दा मकाम की है तवज्जो है ना जनाब। ऐ मुस्तफा दी दीद दिल दा चैन ते करारे जेड़ा जेड़ा बंदा वीर हुसैन दा दवारे। बिस्मिल्लाह करां मातमी आजादार मवालियां ने हैदर करार हुसैन बादशाह दे शिया दी इज्जत दसन लगा। शब्बीर दा मातमी कितनी इज्जत दा मालिक है तवज्जो मेरे पास है। मुस्तफा दी धी दे दिल दा चैन ते करारे जेड़ा जेड़ा बंदा वी हुसैन दा दवारे। मुस्तफा दी धी दे दिल दा चैन ते करारे जेड़ा जेड़ा बंदा वी हुसैन दा दवारे। उस बशर दा हशर विच खुदा शुक्र गुजारे। आबाद रहो बसते रहो। हो गई मेरे हिस्से दी नौकरी काफी वक्त गुजर गया है कोई तूल नहीं एक वैन तालबे दुआ जेड़े आखरी मुकान वास्ते हुण तक बैठ रहे खत्म पे कर दा। अखी जाने ते ओ मखदूमा जाने ओ तहरा ओ मौजमा ओ सदीका बीबी जाने। बुजुर्ग फरमेंदे ने जिंदे भरावां नूं ये पता ना जो साडी भैण दा कद कितना। मैं बिस्मिल्लाह करां खत्म पे कर दा एक वैण वादे दे मुताबिक नौकरी तमाम। नियाज़ हुसैन तवज्जो मेरे पास है। कहे दा निभा के जगा आइए मेरी सैन कर बला मैं बिस्मिल्लाह करां भला होवे वली थकी हुई छतरी शहरा दी। एक बारी मैं फिर प्यादा आधा पिया वली मुक्की हुई
یزید حبشیر اور یہ وال وال پوچھ دی کیا میرے تو یا اکبر دی جا بسم اللہ کرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی کراں جی کراں آدھا پیا ولی مکی ہوئی موت بھی روت جا غازی ہم شیر یہ وال وال پوچھ دی جابر تو یا اکبر دی جا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں کو گھن وج جا بیرے ہوں جاتے جیت لتا میں ڈاویرے بی بی آدھی ہے وج آدھی آیا اپنے ویرن کوال آئی نگری چاہیے جابر نے قافلہ روکیا علی دی دھی لہ پئی معمل تو ختم پہ کردا دعا واسطے کھڑا ہویا علی دی دھی بھرا دی زری تے آئیے شبیر دی زری علی آلے لے آواز آئیے بسم اللہ کرا کیویں نبدی رہی ہے بی بی دی آواز آئیے حسین جی میں گزریے نانے دے دین واسطے نبھا آئیے شبیر فرمید نالی اب میں مدت بعد آئیے اج تو کچھ منگے میں تنو دیو بی بی ادیے ویر تو امام ہے تیرے حکم دی تعمیل کرے نہیں مشکل سوال نہیں شبیر فرمید نالی اب بہن جو دل ہی مانگ جو دل یا ختم پہ کردا زرین اللہ کہہ دیے ویر میں جو مدت بعد آئی ہاں میں ویدی پیاں تیرے سجے پاسے نال علی اکبر دی قبر ہے ویر تیرے کھبے پاسے نال علی اصغر دی قبر ہے مدت بعد آئی ہاں حسین مشکل سوال نہ کرے دی پوچھنا ہی ہو چاہنی ہاں کوئی خبر ہو گئی میری جوڑی دی میں دیا ویر حسین گیورے شہر تے دے ویچ دفن کی تے یا شہر تے آواز آئیے علی ابھین مد جگیل تو بھر وچے آدھے ان ماما
ਜੀ ਕਰਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਆਖਾਂ ਬਿਰਾਦ ਜਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੀਏ ਵੀਰ ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਏ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਦੀ ਪਈਆਂ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸਕਰ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਦੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੋਵੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਮੈਡਾ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਉਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਯਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਗੀਰ ਤੂੰ ਬਾਰੋ ਵਜ ਲੱਥੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਸਰਾ ਗਿਆ ਦਰ ਮਾਮਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡਾ ਛੇਕੜੀ ਸਲਾਮ ਲੰਗਰ ਨਿਆਜ਼ ਖਰਚ ਖਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਮਾ ਆਪਣੀ ਬਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਾਲਿਕ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਰਮਾ ਲੈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਦਾ ਤੋਂ ਮੋਮਿਨ ਮੋਮਿਨਾਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਪਾਕ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਸਦਕੇ 'ਚ ਖਸੂਸਨ ਸੈਦ ਅਜ਼ਮਤ ਅੱਬਾਸ ਮਦਾਨੀ ਪੀਰ ਮਕਸੂਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਕ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਸਦਕੇ 'ਚ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੁਸੈਨ ਸਖੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਮਾਓ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਤ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਫਰਮਾਓ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਹੁਰਸਾਮ ਦੇ ਪਾਕ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੀ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੁੱਲੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਜਿਤਨੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਬ ਔਲਾਦ ਫਰਮਾ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੈਦੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਰਿਹਾ ਫਰਮਾ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਲੱਖਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦੁਆ ਵਲੀ ਉਲ ਅਸਰ ਬਕੀਅਤੁੱਲਾ ਹੁਜਤੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉਲ ਅਮਰ ਦਾ ਜਲਦ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਮਰੀਏ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਕਰਦੇ ਉੱਠੀਏ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਮਾਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਦਾਮਨ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਲਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅਲ ਮੁਹੰਮਦ ਉਬੇ ਅਲੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਬੁਗਜ਼ੇ ਅਲੀ ਲਾਨਤੁੱਲਾ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ।